accounts karte. Take a fresh new page, write the name of the topic, branch accounts. मैं इलेक्ट्रिशियन दिख रहा तेरे को. हाँ ना यार, मतलब अभी एसी चालू करो, एसी बंद करो, यही रह गया मेरी लाइफ में. हाँ प्लीज तो बोल. पहले तो ये डिमांड की ये कराओ वो कराओ, उसमें एसी चालू करो, एसी बंद करो, और कुछ और कोई डिमांड तुम्हारी, जल्दी छोड़ दो. लिखा ब्रांच अकाउंट्स, लिखा अच्छा टॉपिक, लिखो ब्रैकेट में अच्छा टॉपिक. राइट देयर, ऐसे दो ब्रांच बनाओ. वो सरदार के रात के 12 बजते ना, तेरे तो 5 ही बज रहे. दो पार्ट्स बनाओ, दो ग्राफ. फर्स्ट पार्ट पे लिखो डिपेंडेंट ब्रांच, सेकेंड पार्ट पे लिखो इंडिपेंडेंट ब्रांच, और थर्ड पार्ट पे लिखो फॉरेन ब्रांच. अच्छा दो ही बनाया गया. अब किधर बना दो ना एक थोड़ा साइड पे छोटू सा. क्या करूं मैं, बचपन से ऐसे ही हूं. कौन सा ब्रांच? फॉरेन ब्रांच. सो वी हैव डिपेंडेंट, वी हैव इंडिपेंडेंट, एंड लास्ट वन वी हैव इज फॉरेन ब्रांच. डिपेंडेंट ब्रांच में लिखो दो पार्ट, अभी दो इज्जत से दो. प्रॉमिस वाला दो. डेटर्स मेथड, द सेकेंड वन इज नोन एज स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. पहले कौन सा, सेकेंड कौन सा, देन वी हैव इंडिपेंडेंट एंड देन वी हैव फॉरेन. ना अभी इतना कुछ लर्न करने का है, कल ही अगर ये पूरा चैप्टर करते तो थोड़ा हैवी डोज हो जाता. आई कुड हैव लेफ्ट यू एट 5, बट द मोर आई कीप इट फॉर टुमारो, द मोर टुमारो यू विल बी ऑन अ वेरी हार्ड लेवल, बिकॉज तुम्हें ए एस बी करना है, एंड आई हैव टू गिव अ लेक्चर लिटिल बिट अर्ली टू दैट मैम. चार चार ए एस बाकी है तुम्हारा. So we'll start it tomorrow 8. I'll try to complete by 12:31, and then it is all your AS. Are we clear with that one? Yehi plan hai. To thoda haste bolte kar lenge na aadha branch to yaar. Kya hai? Abhi वैसे ही थक चुके हो तुम लोग, आई नो दैट. तो आज घर पे जाके ब्रेक ले लेना, ऐसा ज़रूरी नहीं कि रोज़ घर पे जाके पढ़ना चाहिए. वो पढ़ते तो नहीं होंगे. ये कौन सी वाली फीलिंग है, मतलब कंटिंजेंट लायबिलिटी वाली, मतलब क्या बोल रहे हो. कौन पढ़ता है एनीवेज. इनफैक्ट नहीं पढ़ना चाहिए, आई एम ऑलवेज ऑफ अ प्रोपोनेंट ऑफ दैट. डोंट हैमर योर ब्रेन्स टू मच, यू नो. दिन में 8 घंटे मैक्सिमम काफ़ी है, बट व्हेन यू हैव टू स्टडी अटेंटिवली. यस और नो? ऑल जोक्स अपार्ट, आई गेस दिस क्रैश कोर्स हैज हेल्प यू अ लॉट. You have completed approximately 70% of your practice manual. That's what my intention was. You know, yahan pe tum log forcefully thoda padhte ho. If I would have left you at 5, you would have just gone home, done nothing. At least branch ek part kar leta. I guess we all are open? Hai na? First method maine kaha is dependent. Ab dependent branch ka matlab kya hota hai? Matlab that branch is dependent upon whom? HO. So HO is the one who is preparing accounts. For whom? Branch. Now he can prepare accounts in two formats. First one is known as a data system and second one is known as stock and data system. Data system एक shortcut है. क्या है? Shortcut. मतलब HO will not record all transactions with reference to branch. Not all transactions. So see, this is HO, this is branch, and this is others. So what will HO record? All transactions between HO and branch, between branch and HO, and between HO and
others in relation to branch. So guys, this is 1, this is 2, this is 3. This is 4 will not be recorded. That means any transaction between branch and others will not be recorded by HO. Iska naam hai data system. Ye funda hai. अभी हम लोग जब भी अकाउंट बनाएंगे और जब भी देखोगे ना आप, अभी इसको अगर बैक ऑफ द माइंड रखोगे ना तो यू विल अंडरस्टैंड हम यही चीज़ें रिकॉर्ड कर रहे हैं. अगर ये फंडा याद नहीं रखना है तो इन शॉर्ट HO दैट इज इन द बुक्स ऑफ HO हम लोग एक अकाउंट बनाएंगे जिसका नाम होगा ब्रांच अकाउंट. और इस ब्रांच अकाउंट में ना हम लोग 8 चीज़ें रिकॉर्ड करेंगे. कितनी चीज़ें? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. अभी क्लियर? ये सारे थंब रूल्स देने पड़ते हैं आपको ताकि आप ये 5 दिन में भी आके अपने एडवांस अकाउंटिंग में एग्जेम्पशन स्कोर कर सको. रेगुलर में आते हो तो आई टीच देम बोथ. आई टीच देम फंडा ऑल्सो, आई टीच देम दिस ऑल्सो. दोनों चीज़ें याद रहनी चाहिए. फंडा एट द बैक ऑफ द माइंड यू शुड अंडरस्टैंड. शॉर्टकट लाइक नंबर्स लाइक दिस विल हेल्प यू इन एग्जामिनेशन. आई यू अंडरस्टैंडिंग इट? बिकॉज एग्जाम में बाद में फंडा 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 कितना रिकॉल करेगा ना. तो थंब रूल ऐसे याद रखने का, कितना चीज़ रिकॉर्ड करने का. ओपनिंग असेट्स, ओपनिंग लायबिलिटी, गुड्स गुड्स, कैश कैश, क्लोजिंग लायबिलिटी, क्लोजिंग असेट्स. कौन सा गुड्स मालूम है? जो HO ब्रांच को भेज रहा है, जो ब्रांच HO को रिटर्न कर देता है, जो HO ब्रांच को भेजता है, जो ब्रांच HO को भेजता है. एंड इस अकाउंट का जो बैलेंस होगा डेट विल बी नोन एज प्रॉफिट और इट विल बी नोन एज लॉस. सिंपल है ना? अभी क्लियर विद दैट वन? ये कौन सा मेथड हुआ? एक दूसरा मेथड है जिसका नाम है स्टॉक एंड डेटर. अब स्टॉक एंड डेटर्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं मालूम है? वी रिकॉर्ड ऑल ट्रांजैक्शंस, ऑल ट्रांजैक्शन बिटवीन HO एंड ब्रांच, ब्रांच एंड HO, HO एंड अदर्स, अदर्स एंड ब्रांच, सब कुछ रिकॉर्ड करते हैं. तो वहाँ पर हमें बहुत सारे अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं. ब्रांच स्टॉक अकाउंट, गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट, ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच कैश एंड बैंक अकाउंट, ब्रांच एक्सपेंस अकाउंट, ब्रांच PNL अकाउंट, सब बनाना पड़ेगा. बिकॉज वो डिटेल्ड है. दिस इज नॉट अ डिटेल्ड वन, दिस इज अ शॉर्टकट वन. सो बेसिकली हमारा कहना क्या है मालूम है? हम लोग ये दोनों के बीच में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर ले तो अगर इसके ओपनिंग क्लोजिंग ले लिए तो कैन आई से वी हैव कवर्ड अप ऑल ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड अदर्स ऑल्सो. बिकॉज आपने ओपनिंग और क्या ले लिया? क्लोजिंग. अब फॉर एग्जाम्पल ब्रांच में 10,000 रुपया ओपनिंग था और 5,000 रुपया क्लोजिंग है. तो राधर देन रिकॉर्डिंग एनी ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड अदर्स कैन आई से इन शॉर्ट 5,000 रुपये का खर्चा हो गया. तो मेरे को पूछने का नहीं रेंट कितना हुआ, सैलरी कितना हुआ, 5 का खर्चा हो गया. दैट्स अ शॉर्टकट बिकॉज यू आर टेकिंग ओपनिंग एंड यू आर टेकिंग क्लोजिंग. सो अल्टीमेटली यू विल गेट द सेम अमाउंट ऑफ प्रॉफिट और सेम अमाउंट ऑफ लॉस. सो एनी क्वेश्चन ऑन अ डिपेंडेंट ब्रांच विच कैन बी सॉल्व बाय डेटर्स मेथड कैन ऑल्सो बी सॉल्व बाय स्टॉक एंड डेटर्स मेथड. जस्ट द अकाउंटिंग फंडा इज डिफरेंट. इन डेटर सिस्टम वी रिकॉर्ड ओनली 3 ट्रांजेक्शन बिटवीन HO एंड ब्रांच, ब्रांच एंड HO, HO एंड अदर्स विथ रेफरेंस टू ब्रांच. इन स्टॉक एंड डेटर्स मेथड वी रिकॉर्ड एवरीथिंग. इज दिस क्लियर? अदर वे शॉर्टकट टू रिमेंबर 8 थिंग्स: असेट लायबिलिटी, गुड्स गुड्स, कैश कैश, लायबिलिटी असेट. डन. कैन आई पिक अप अ क्वेश्चन ऑन योर बुक्स प्लीज? चैप्टर का नाम क्या है? ब्रांच. I am looking at question number 4. The name of the question is Widespread Limited.
Can I start? First one. Widespread limited invoices goods to its branch at cost plus 20%. Underline the word cost plus 20. Is it 1/5 on cost? Yes. Is it 1/6 on selling price? Yes. Likh do wahan pe. 1/5 on cost, 1/6 on selling price. The branch sells goods to for cash as well as on credit. The branch meets its expenses out of cash collected from data and cash sales and remits the balance of cash to the head office after withholding 10% necessary for meeting immediate requirements of. Now, ye story yaad rakhna, aur ye story har question to question badal sakta. Now, that is why people find branch accounting as little bit complicated, because every question on branch accounting is different. You cannot have standardization. What is this story telling you? The branch will meet its own expenses out of cash collected from debtors and cash sales, and after keeping 10,000 as balance. तो डेटर से पैसा कलेक्ट करेगा, कैश सेल से पैसा आएगा, 10,000 अपने पास रखेगा और बाद में वो खर्चे करेगा. इन शॉर्ट, ब्रांच खर्चे खुद कर रहा है. तो अभी यहाँ पे ये लोग बोले कि रेंट पे किया, सैलरी पे किया, तो अपने को कंसर्न नहीं होना चाहिए, बिकॉज हु इज पेइंग देम? ब्रांच. अनदर क्वेश्चन कैन बी, जहाँ पे ब्रांच बोलेगा कि मेरे पास जो भी पैसा आएगा मैं एचओ को दे दूंगा एंड एचओ विल पे माई एक्सपेंसेस. एचओ विल, तो एच ओ विल पे दी एक्सपेंसेस, मतलब रेंट आएगा, सैलरी आएगा, वो कौन पे करेगा? तो कहना है वो यहाँ पे कैश में आना चाहिए. ये कौन सा कैश है? एच ओ जो किसको देता है? ब्रांच को, ऑफकोर्स खर्चे करने के लिए. और ये कौन सा कैश है? ब्रांच जो एच ओ को पैसा देगा. नेक्स्ट, ऑन 31st March 2012 द असेट्स ऑफ द ब्रांच आर एज फॉलोज. कैश इन हैंड, ट्रेड डेटर, स्टॉक एट इनवॉइस प्राइस एंड फर्नीचर्स एंड फिटिंग. 31st March 2012. In fact, if I am not wrong, this will become opening of the next year. Yes. During the accounting year 31st March 2013, the invoice price of goods dispatched by head office to the branch amounted to 1,32,00,000. Out of this, goods received by each the branch sent back to head office. Goods at invoice price 72,000. Other transactions at branch during the year are cash sale 9,700, credit sale 3,140, cash collected from the branch by credit customers 2,842. Cash discount allowed to debtor is 58, return by creditor is 102, bad debts written off is 37, expenses paid by whom? Branch. On 1st Jan 2013, branch purchased new furniture of rupee 1 lakh, for which payment was made by whom? Underline the word for which payment was made by head office. On 31st March 2013, branch expenses amounted to 6,000, were outstanding and cash in hand again was 10,000. Furniture is subject to a depreciation at the rate of kitna percent? Prepare the branch account in the books of head office on 31st of March 2000 and what guys? 13. ये copy करने का तुम लोग को ऐसे ही कि ठीक है. First one. In the books of HO. कौन सा account बना रहे हम लोग? What is the first thing we want? To opening balance. चलो क्या है? Cash. कितना? 10,000. Next one. Debtors. 384. Stock at invoice price. 1080. Furniture and fittings. Furniture. 5 lakh. 5 lakh. Total. 19 lakh. Any opening liability that you have? No. So can I say 1 and 2 are done? मतलब यहाँ पे आपके reference के लिए खाली लिख देता हूँ by opening balance. If I am not wrong, is it nil? Yes. एक चीज आएगा, अगर यहाँ पे स्टॉक है इनवॉइस प्राइस पे, और इनवॉइस प्राइस पे ही होना चाहिए, तो कहना उसका लोडिंग आएगा. डेफिनेटली यू कॉल इट ए स्टॉक रिजर्व. हाउ मच? 1/6. चलो 1,80,000 का 1/6 स्टॉक रिजर्व. बोलो कितना? 1,80,000. Any doubts on this, guys? No. Done? Next one. This is 1 and 2 done. What is the next thing? Two goods? Two branch? Kitne ka? 1,32,00,000. Immediately buy goods. Two branch. Guys, wo loading pe tha. To uska, matlab ye invoice price pe tha. To uska loading maa pe.
ऑलवेज स्टॉक को आईपी पे रिकॉर्ड करने का, उसके ऑपोजिट साइड पे उसका लोडिंग निकाल देने का. सो 1 crore 32 lakh का 1/6 22 lakhs. एनी गुड्स रिटर्न बाय गुड्स फ्रॉम ब्रांच कितना? 72,000 ओनली. एंड इमीडिएटली डेबिट साइड पे टू गुड्स फ्रॉम ब्रांच 72,000. एनी डाउट्स ऑन दैट? सो व्हाट आर वी डन विद 1, 2, 3, 4? लोडिंग निकालते हो, वो उसको काउंट नहीं करते कभी भी. हाँ, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग टू गो फॉर? कैश. टू कैश. हु इज पेइंग द एक्सपेंसेस? पढ़ लो अब. क्लास में रहना है आपको आधे घंटे तक. हाँ, प्लीज यू हैव टू बी अटेंटिव अबाउट इट. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई टोल्ड यू द एंटायर स्टोरी. ब्रांच विल कलेक्ट मनी फ्रॉम डेटा, ब्रांच विल हैव कैश सेल्स, ब्रांच विल मेक द एक्सपेंसेस. Branch is making the expenses. I am not making expenses. Any payment that I am doing? Yes. Fixed asset. तो ये cash तो जा रहा है ना? कितना? 1 lakh. In fact, अगर ये FA नहीं होता तो यहाँ से हमारे time कोई cash नहीं जाता अभी. And next one, buy what? Cash. ये कौन सा cash? जो branch HO को भेजेगा. अब वो information दिया नहीं उन्होंने. बट उसका स्टोरी याद रखना जरूरी था. कहने से ब्रांच विल कलेक्ट मनी फ्रॉम डेटर्स, ब्रांच विल कलेक्ट मनी फ्रॉम कैश सेल्स, ब्रांच विल मेक एक्सपेंसेस एंड देन द मनी लेफ्ट विल बी सेंड टू हुम? एचओ. ढूंढने का है भाई तुमको ये. चलो नेक्स्ट वन, बाय बैलेंस कैरीड डाउन क्लोजिंग्स. फर्स्ट वन कैश 10,000, वेरी गुड. नेक्स्ट वन डेटर 40,000. काम मिल गया बेटा, ढूंढना है ना. तो मैं वही सोच रही, भगवान कहां से आ गया 40,000 बोल दिया सीधा. कौन इतने अच्छे भगवान है? डेटर ढूंढना है भाई. नेक्स्ट वन स्टॉक, वो भी ढूंढना है. नेक्स्ट वन फर्नीचर, 16% डेप्रिसिएशन. वर्किंग नोट नंबर वन फर्नीचर opening, if I'm not wrong, 5 lakh plus purchase. कैसा भागता है तुम लोग? 1 lakh. एकदम आराम से ना, कैलसी छोड़ो ना साइड पे, 2 मिनट प्रिंटिंग प्रेस चला रहा है. 5 plus 1 is it 6 lakh? कोई डाउट्स इसमें? डेप्रिशिएशन कितना परसेंट? 1/6 डेप्री 5 lakh इंटू 16% इंटू 12/12 80,000. सेकेंड 1 lakh इंटू 16%. दे हैव गिवन यू द डेट ऑफ परचेज, 1st of January 2013. इज इट ओनली 3 months? इंटू 3/12 4,000. 84,000 माइनस 84,000 5 lakh 16,000. सो फर्नीचर इज 5 lakh 16,000. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? नेक्स्ट वन टू बैलेंस कैरीड डाउन. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर वहां पे स्टॉक है तो यहां पे स्टॉक रिजर्व आएगा. एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस था शायद 6,000. Got that? Of course, अभी ये सब लोग थोड़ी ऐसा स्पून फीड कर देगा ना कि हम लोग को आठों आठ चीज मिल जाए, हम अकाउंट बना ले, घर चले जाए. तो what are the things missing? Cash, stock, debtors. तो मुझे ब्रांच कैश अकाउंट बनाना पड़ेगा, मुझे ब्रांच स्टॉक अकाउंट बनाना पड़ेगा, मुझे ब्रांच debtors अकाउंट बनाना. हाँ, अभी तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो तुम ये सोचो इस अकाउंट के अंदर रिकॉर्ड क्या हुआ. ऑल ट्रांजेक्शन विथ रेफरेंस टू एच ओ एंड ब्रांच, बिटवीन ब्रांच एंड एच ओ, एंड बिटवीन ब्रांच एंड एच ओ एंड अदर्स विथ रेफरेंस टू, ये वो कैश है जो एच ओ और अदर के बीच में हो, बट विथ रेफरेंस टू क्या था?
एक भी ट्रांजेक्शन यहाँ पे वो रिकॉर्ड नहीं हुआ है जो ब्रांच और अदर्स के बीच में हुआ है, बट वो लोग छोड़ेगा नहीं हम लोगों, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। सो कैन आई से ये सब ढूंढने के लिए भी मुझे वो अकाउंट्स बनाने पड़ेंगे। सो नाउ दिस आर द बेसिक ट्रांजेक्शन विच हैज हैपेंड बिटवीन ब्रांच एंड हुम, अदर्स। सो आई हैव टू मेक थ्री अकाउंट्स। व्हाट आर द थ्री अकाउंट्स दैट आई हैव टू मेक? ब्रांच स्टॉक, ब्रांच डेटा एंड ब्रांच कैश। एकदम क्लियर? This is branch data, branch stock to balance brought down 10,80,000, branch data to balance brought down 384, branch cash to balance brought down 10,000, by balance carried down 10,000. Got that? Any doubts on this? Because opening closing dono diya tha. Now we start the question again, fully, again, back to the basics. Abhi wahan pe to khali 8 cheez dhoondna tha, but abhi to apne ko yahan pe sab kuch dhoondna hai. To ek ek aaram se transaction settle karenge. First one, loading ho gaya, cash in hand diya tha, datas tha, stock tha, furniture tha. During the year, goods of invoice price rupee 1,32,00,000 were sent by whom? Branch, HO to whom? Branch ko mil raha hai ki nahi mil raha hai? तो ब्रांच स्टॉक में डेबिट टू एच ओ कितना? 1,32,00,000। अब इधर से लोडिंग नहीं निकालना बिकॉज हम लोग ये खाली आईवी पे रिकॉर्ड कर रहे हैं और ब्रांच को थोड़ी मालूम होता है वो क्या एड वेड करके भेज रहा है, उसको तो मालूम है ये गुड्स आ रहा है। अच्छा फिर ब्रांच कितना रिटर्न कर रहा है? 72,000। तो बाय एच ओ 72,000, परफेक्ट है। नेक्स्ट, other transactions are as follows: cash sales 9,700, amount are in thousands, journal entry for cash sales, branch cash bank to branch stock, gujh jayega na? Aaram se socho, branch accounts karna hai to journal entry strong hona chahiye. This is one of the few topics in group 2 which is very strong in terms of journal entries. पैसा आ रहा है, स्टॉक जा रहा है, सो ब्रांच कैश टू ब्रांच स्टॉक, अमाउंट कितना? 9,70,000 की एक और जीरो ऐड करूं, 97,00,000, और यहां पे आएगा बाय ब्रांच कैश 97,00,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? मेरे को इसीलिए ना ये मेथड अच्छा नहीं लगता है, मालूम है तुम लोग को अच्छा लगता होगा, मेरे को स्टॉक एंड डेटर्स अच्छा लगता है बिकॉज स्टॉक एंड डेटर्स में सारे अकाउंट्स बनाने, सबकी जर्नल एंट्री पास करना। व्हाट स्टूडेंट्स थिंक सर कितना बड़ा है ना सब अकाउंट बनाने का, सब जर्नल एंट्री। अरे ये ना ये हमें फूल बना रहा है, बोलता है एक ही अकाउंट बनाने का, पर एक्चुअली सोचना तो सब कुछ होता है बिकॉज नाउ यू हैव टू पास एंट्री फॉर ईच एंड एवरीथिंग। वो इज्जत से वही करवा लो ना, स्टार्टिंग से सब रिकॉर्ड कर लेंगे। This is actually creating confusion. पहले ये record करते फिर ढूंढने ये जाते हैं। So go slow. It's all on entries again. चलो next one. Credit sales 3,140. Journal entry. Branch data to branch stock. Branch data में लिखेंगे to branch stock. Amount is 31,40,000. तो branch stock में क्या लिखेंगे? By branch data. Amount is 31,40,000. Are you understanding? नेक्स्ट वन, आपसे एंट्री चाहिए अभी ब्रांच कैश टू, सो ब्रांच कैश टू ब्रांच डेटा, अमाउंट बोलो 28,42,000। सो ब्रांच डेटा में लिखेंगे बाय ब्रांच कैश 28,42,000। आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट वन, एंट्री डिस्काउंट टू डेटा,
आई वुड रादर से ब्रांच एक्सपेंस, डिस्काउंट या बैड डेट्स कुछ भी हो तो ब्रांच एक्सपेंस बोल सकते हो या डिस्काउंट भी ठीक है. सो डिस्काउंट टू व्हाट? डेटर. तो डेटर में क्या लिखेंगे? बाय डिस्काउंट. कितना? 58,000. कोई डाउट्स? नेक्स्ट. और सेकेंड इफेक्ट तो नहीं आएगा ना इसका, बिकॉज डिस्काउंट अकाउंट थोड़ी बनाया. रिटर्न बाय होम. जर्नल एंट्री. ब्रांच स्टॉक टू. सो यहाँ पे आएगा टू ब्रांच डेटर. अमाउंट 1,02,000. और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग बाय ब्रांच स्टॉक. अमाउंट इज 1,02,000. कोई डाउट्स आपको? व्हाट इज नेक्स्ट? बैड डेट्स रिटर्न ऑफ. जर्नल एंट्री. तो ब्रांच डेटा में लिख दू बाय बैड डेट्स. अमाउंट 37 or 57. चलो नेक्स्ट. जर्नल एंट्री. ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच. तो ब्रांच कैश में हम लोग लिखेंगे बाय ब्रांच एक्सपेंस. अमाउंट कितना? 842. नेक्स्ट वन. फिक्स असेट. आई गेस वो पैसा तो एचओ ने दिया था. उसके बाद आ रहा है एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है 6,000 का. बस हो गया. अभी अकाउंट्स बंद करें. फर्स्ट वन कौन सा अकाउंट है? स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है. परचेज सेल सब आ गया. कहने से हमें क्लोजिंग स्टॉक मिलेगा 10,80,000 प्लस 1 crore 32 lakhs. 1,43,82 प्लस 1,02,000 माइनस 72,000 माइनस 97 lakh. क्वेश्चन पे ध्यान गाइस. माइनस 31,40,000. आंसर 14,70,000 इन द अकाउंट. इज इट 1,470,000? और 1,470,000 का 1/6. इज इट 245? 245 प्लस 6 इज इट 251? यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट वन डेटर्स. ओपनिंग था क्या? नहीं था. क्लोजिंग. चलो 384 प्लस 31,40,000 माइनस 28,42,000 माइनस 58,000 माइनस 1,02,000 माइनस 37,000. आंसर 4,85,000. क्या मिला? 4,85,000. परफेक्ट है. नेक्स्ट वन कैश. स्टोरी याद करो. स्टोरी याद करो. पहले स्टोरी चाहिए. डेटर से पैसा आएगा, कैश सेल से पैसा आएगा, एक्सपेंस करेंगे और जो पैसा बचेगा वो. डेटर से पैसा आया, कैश सेल से पैसा आया, एक्सपेंस कर दिया, ओपनिंग क्लोजिंग दिया, तो जो बैलेंस आएगा कहना से सेंड टू एचओ. आई यू अंडरस्टैंडिंग? 10,000 प्लस 97 lakh प्लस 28,42,000 माइनस 8,42,000 माइनस 10,000. आई एम गेटिंग 1,17,00,000. यू गेटिंग दिस? चकास बोलो. 1,17,00,000 टोटल. 10,000 4,85,000 14,70,000 5,16,000 इज इट 11,58,000? कैलसी चल रहा है कि नहीं तुम्हारा? 11 lakh कैसे आ सकता है? कुछ भी बोल रहे हो, है ना? 10,000 प्लस 4,85,000 प्लस 14,70,000 प्लस 516 24 lakh, है ना? प्लस 1,17,00,000 प्लस 72,000 प्लस 22 lakh प्लस 1,80,000 इज इट 1,66,33,000? Do you agree? Minus 19,74,000 minus 1,32,00,000 minus 12,000 minus 1 lakh minus 251. I'm getting 10 lakh. You getting this? Kya mil gaya? Simple hai. How many things should be recorded in the branch account? 8 things. Opening. Opening, goods, goods, cash, cash, closing, closing. ढूंढने का ही. अब बाद में उस स्टोरी पे ध्यान रखने का. सॉल्यूशन देखो, मैच कर रहा है तो कॉपी करने की जरूरत. कोई डाउट्स है? कैन आई गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? और अभी हम लोग साथ में करेंगे.
दो क्वेश्चन करेंगे साथ में और घर जाएंगे साथ में, पर मैं अपने घर जाएगा, तुम लोग को अपने घर जाने का। हाँ, मेरा घर का एड्रेस पूछने का नहीं, भरोसा नहीं तुम लोग आ गया तो उधर डाउट पूछते पूछते। क्वेश्चन नंबर 14, 1-4, पवन ऑफ दिल्ली, कितना है अभी और? बस 40 ही मिनट बाकी है दो क्वेश्चन कंप्लीट करने के अपने को। चलो क्वेश्चन नंबर 14, कैन आई स्टार्ट? पवन ऑफ दिल्ली हैज अ ब्रांच एट जयपुर, गुड्स आर इनवॉइस। लो अभी भी ये क्वेश्चन ढूंढ रही है, ढूंढ ले, फिर बोलती है मैं सरदार नहीं हूं। से मेरी बातों का बुरा नहीं लगता ना तुम लोगों को? क्या मैं मतलब बुरा बोल दिया ऐसा? मैं बुरा बोला कुछ? जोक्स ही मारता मैं खाली। Who took it seriously? आई ना, तुम लोग ऐसा लगता है बोला तो मेरे को ऐसा दुख हुआ ना। अभी मैं इनमें मजाक नहीं करेगा बस। थर्टी नाइन मिनट्स। पवन ऑफ दिल्ली हैज ब्रांच एट जयपुर, गुड्स आर इनवॉइस टू द ब्रांच एट कॉस्ट प्लस 25। डिड यू अंडरलाइन कॉस्ट प्लस 25? इज इट 1/4 ऑन कॉस्ट, 1/5 ऑन सेल्स? द ब्रांच इज इंस्ट्रक्टेड टू डिपॉजिट द रिसीट्स एवरी डे इन द हेड ऑफिस अकाउंट विद द बैंक। पढ़ो पढ़ो एकदम। जो पैसा आता है एचओ को दे देने का, रोज का रोज। आर यू अंडरस्टैंडिंग? वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन ने बोला कैश सेल का पैसा लो, डेटर से पैसा लो, खर्चा करो, फिर जो बचता है वो एचओ। और ये एचओ क्या बोलता है? कुछ नहीं करो, जो पैसा आता है सब मुझे दे दो। तो ब्रांच का खर्चा कौन करेगा? तो अभी यहां पे जो कैश आएगा ना, ये सब एक्सपेंसेस का पैसा होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? कंटिन्यूएशन। All expenses are paid through check by head office except the petty expenses which are paid by whom? So only petty expenses are paid by branch, but all other major expenses are paid by HO. The following information you are required to prepare the branch account in the books of head office: stock at invoice price opening, stock at invoice price closing, debtors opening, debtors closing, furniture opening, cash sales, credit sales, goods invoiced by branch to branch by head office, expenses paid by head office, petty expenses paid by furniture acquired by branch on 1/10/2012, payment was made by whom? Branch. जानबूझ के क्वेश्चन लिया मैं, मालूम है तुम लोगों को ये? लास्ट टाइम एक्सपेंसेस ब्रांच कर रहा था, असेट का पैसा एचओ ने दिया था। इस टाइम एक्सपेंसेस एचओ कर रहा है, असेट का पैसा ब्रांच दे रहा है। नाउ यू शुड अंडरस्टैंड कौन सा रिकॉर्ड करना है, कौन सा रिकॉर्ड नहीं करना है। यहां पर कौन सा रिकॉर्ड होगा? एफए का रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट वन, पेमेंट वॉज मेड थ्रू दिस, डेप्रिशिएशन इज प्रोवाइडेड बाय द ब्रांच ऑन फर्नीचर एंड फिक्स्चर एट द रेट ऑफ कितना परसेंट? ऑन WDV से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, अपने को थोड़ी साल से साल आगे जाना, एक ही साल तो है। डन, बनाए साथ में, टाइटल पे लिखो इन द बुक्स ऑफ पवन। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 1/4 इन द बुक्स ऑफ पवन लिखा। नेक्स्ट लाइन पे लिखो ब्रांच अकाउंट।
Can I start now? Yes. Chalo, what is the first thing? Two opening balance. Kya hai? Stock. Is it 164? Yes. Next kya hai? Data. Is it 63,400? Yes. Next kya hai? Furniture. If I'm not wrong, is it 46? 800. Buy. Opening balance. Stock reserve. Kitna tha? 1/5 ki 1/6? 1,64,000 ka 1/5. Is it 32,800? Is it clear? Chalo, next one. 1 on 2 ho gaya. Abhi kya aayega yahan pe? 2 goods. How much of goods are sent by HO2 branch? 1256. Immediately credit side pe buy goods. 1256 divided by 5. Is it 251,200? Catch up kar rahe ho aap mere saath? अच्छा वहां से कोई गुड्स रिटर्न आया? नहीं. तो कैन आई से यहां पे बाय गुड्स रिटर्न में कुछ नहीं है? सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग कैन आई से आई एम डन विद 1, 2, 3, 4? व्हाट इज 5, 6? अच्छा यहां पे कौन सा कैश आएगा? एक्सपेंसेस का. हाउ मच? 264. वहां से बाई कैश का कोई इंफॉर्मेशन है? हाँ. कहाँ है? सर फर्स्ट पेज पे ही है ना. बोलो. ऑल द इंफॉर्मेशन है. दैट्स व्हाट आई डोंट मीन बाय इंफॉर्मेशन. आई सेड एनी अमाउंट है. आई गेस नहीं दिया ना. कैन आई से ये ढूंढना पड़ेगा हम लोगों को? आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो दिस इज वन इंफॉर्मेशन विच इज मिसिंग. दिस इज व्हाट आई डू. आई फिल दिस अप एंड फिर जो इंफॉर्मेशन मिसिंग होता है वो ढूंढने निकलते हैं हम लोग. नेक्स्ट वन बाय व्हाट? क्लोजिंग. स्टॉक होना चाहिए, डेटर्स होना चाहिए, फर्नीचर होना चाहिए. आई गेस स्टॉक का क्लोजिंग है 192. डेटर्स का भी क्लोजिंग दिया हुआ है. इज इट 84,300? एंड फर्नीचर आई गेस इज पेंडिंग. And by closing, is it stock reserve? Bolo, 38,400. So what are the two things to be found out? Furniture and what? Cash? Chalo, pehle working note number one, furniture. Iske liye account banane ki zarurat nahi padni chahiye hame. Do you agree? Yes. Opening 46,800. Purchase. कितने का मशीन परचेज हुआ या फर्नीचर परचेज हुआ? 5,000. Is it 51,800? Yes. क्या माइनस करना है? 46,800. कितना परसेंट? 10 into 12 by 12, is it 4,680? Second, 5,000 into 10% in 2. 6 by 12. Answer. 250. Total depre. 4,930. Minus the depreciation. 4,930. 46,870. Furniture.
46,870. So what is the only information missing now? Cash. So kaun sa account banana padega? Cash. That is branch cash. और अभी थोड़ा यहाँ पे दिमाग चलना चाहिए तुम्हारा. That is what is cruel about this chapter is, branch cash तो बनाना ही बनाना है. Cash से connected थोड़ी और चीज़ें हो सकती है. Something like cash sales. Is the cash sales given to you? Yes. Receipt from debtor. बहुत स्मार्टली ना, जब ये लोग ओपनिंग क्लोज, जब ये लोग ओपनिंग क्लोजिंग दोनों दे देना, यू शुड बी वेरी फीलिंग डाइसी अबाउट इट. लास्ट क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, बिकॉज ओपनिंग स्टॉक दिया था, क्लोजिंग नहीं दिया. अच्छा, दिमाग तो चलता है क्लोजिंग ढूंढने का है. अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दोनों दे दिया है, तो उसको ना कैश से कनेक्ट करो जो मिसिंग होता है. स्टॉक का कैश के साथ कलेक्शन, आई गेस ओनली एक ही चीज होता है. इज इट कैश सेल्स? इज इट ऑलरेडी गिवन? तो स्टॉक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है. सेकेंड, जो ओपनिंग क्लोजिंग दे दिया था, इज इट डेटर्स? डेटर्स दे दिया था. सो डेटर्स और ब्रांच कैश का क्या लेना देना होता है? कैश फ्रॉम डेटर. हैव दे गिवन यू कैश फ्रॉम डेटर? नो. तो अपने को डेटर्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा. दैट इज द स्मार्टनेस विच इज नीडेड. और क्या हो सकता है? रिटर्न किसका? ब्रांच का. एचओ को वो तो रिटर्न दिया नहीं उन्होंने. हाँ, हो सकता है. आई एम नॉट सेइंग नहीं हो सकता है, बट एक जो ऑब्वियस आता है तो पहले वो तो बनाओ. अभी एग्जैक्टली क्लियर? सो ऑब्वियस क्या था? कैश से कनेक्शन निकाल रहा हूं, तो कैश से स्टॉक का तो कनेक्शन निकला नहीं. चलो, दूसरा किसका कनेक्शन निकल सकता है? डेटर्स. डेटर्स से किसका कनेक्शन निकल सकता है? कैश. लेट्स सी, अगर कुछ आगे बनता तो हम लोग डेफिनेटली निकालेंगे उसको. सो आई एम मेकिंग वन मोर अकाउंट. व्हाट इज वन मोर अकाउंट आई एम मेकिंग? ब्रांच डेटर्स. आईपीसीसी ग्रुप वन भी किया होता ना, तो थोड़ा हमारा अंडरस्टैंडिंग और चलता. सिंगल एंट्री किया बेटा तुम लोगों ने? सो यू शुड रिमेंबर सम अकाउंट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स. लाइक डेटर ना, ओपनिंग होना चाहिए, क्लोजिंग होना चाहिए, क्रेडिट सेल होना चाहिए, कलेक्शन होना चाहिए. सो देयर फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटर्स अकाउंट, फोर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रेडिटर्स अकाउंट, ये सब तो होना ही चाहिए. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट वन, what is the information that is given to you? I guess cash ka opening kitna guys? Nahi diya hai, hoga. Because hum roz ka roz paisa kisko de dete hai? HO ko. Opening bhi nahi hoga, closing bhi nahi hoga. Samjha? Debtors. How much is opening? 63,400. And how much is closing? 84,300. Perfect na? Chalo. Opening and closing is already there. Now we start taking all the things right from the beginning which is connected with debtors and cash. Huh? First one, opening stock, closing stock nahi chahiye, debtors nahi chahiye, furniture nahi chahiye. Do we need cash sales? Yes. Journal entry. Branch cash too. ब्रांच स्टॉक तो बनाना नहीं है, ब्रांच कैश में लिखेंगे. टू ब्रांच स्टॉक. अमाउंट बोलो. 8,02,600. क्यों? 8,02,600. नो नो, परफेक्ट है. 8,02,600. मेरे को वो ऊपर वाला दिख रहा था अमाउंट. 7,00,000 कौन सा दिख रहा है अभी तुम लोग को? हाँ, वो क्रेडिट सेल्स है. 8,02,600 इज द राइट अमाउंट. आर वी डन? व्हाट इज नेक्स्ट? जर्नल एंट्री. टू ब्रांच स्टॉक. आर यू अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट वन, गुड्स इनवॉइस बाय टू ब्रांच बाय हेड ऑफिस. जर्नल एंट्री बोलो पहले. ब्रांच स्टॉक टू एचओ चलेगा, या गुड्स लिख दो, बट आई गेस कहीं इंपॉर्टेंट नहीं है. नेक्स्ट वन, एक्सपेंसेस पेड बाय एचओ. नहीं आएगा, बिकॉज कौन पे कर रहा है? एचओ. नेक्स्ट वन, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय ब्रांच. एंट्री, ब्रांच एक्सपेंस टू ब्रांच कैश. तो ब्रांच कैश में क्या लिखोगे? बाय ब्रांच एक्सपेंस. अमाउंट कितना है?
20,900. Got that? Next. फर्नीचर कौन दिया पैसा? ब्रांच दिया. हाँ भाई, जर्नल एंट्री फर्नीचर टू ब्रांच कैश बाय फर्नीचर. अमाउंट कितना? 5,000. इज दिस क्लियर? डेप्रिशिएशन एल्स इज ऑल प्रोवाइडेड. कैन आई से वील क्लोज द डेटर्स फर्स्ट? 744,200 plus 63,400 total 8,07,600. 8,07,600 minus 84,300 723,300. Is it by branch cash? Yes. Branch cash में क्या लिखेंगे? To branch data. 7,00,000 23,300. और कहने से अभी जो कैश बचा होगा वो हम लोग एचओ को दे देंगे. प्लस 8,02,600. आई एम गेटिंग 15,25,900. 15,25,900 माइनस 20,900 माइनस 5,000. आई गेस द आंसर इज 15,00,000. अकाउंट में आ जाए 15,00,000. कैलसी स्टॉप नहीं करने का. 15,00,000. कैन आई टेक अ टोटल ऑन द क्रेडिट साइड नाउ? 15,00,000 प्लस 251,200 प्लस 32,800 प्लस 1,92,000 प्लस 84,300 प्लस 46,870. आंसर इज व्हाट? 710 या 170? परफेक्ट. 21,07,170 है ना? माइनस 1,64,000 माइनस 63,400 माइनस 46,800 माइनस 1,256 माइनस 264 माइनस 38,400. आंसर? 274,570. क्या मिल गया? 274,570 प्रॉफिट. डन. टू गुड. चेक करो, डज इट टैली? थक गया तुम लोग? एक होमवर्क करेंगे तो मैं जल्दी छोड़ूंगा. अगर होमवर्क नहीं करना है तो यहीं पे करना पड़ेगा. मैं चेक करेगा. क्वेश्चन नंबर 17. एक्स वाई जेड नाम का क्वेश्चन है. सिर्फ पढ़ लू एक बार. एक्स वाई जेड इज हैविंग अ ब्रांच एट कोलकाता. गुड्स आर इनवॉइस एट कॉस्ट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन व्हाट? अंडरलाइन द वर्ड 20% ऑन सेल. इज इट 1/5 ऑन सेल? दैट इज 1/4 ऑन कॉस्ट. ब्रांच हैज बीन इंस्ट्रक्टेड टू सेंड द कैश डेली टू हूम? एचओ. ऑल एक्सपेंसिज आर पेड बाई एचओ एक्सेप्ट द पेटी एक्सपेंसिज विच आर मेड बाई हूम? समझ रहा है? फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द ब्रांच अकाउंट. इज द स्टॉक ओपनिंग गिवन? डेटर्स का ओपनिंग गिवन. कैश का ओपनिंग इज ऑल्सो गिवन. ऑफिस फर्नीचर का ओपनिंग इज गिवन. गुड्स इनवॉइस फ्रॉम एचओ. इज इट नंबर 3? गुड्स रिटर्न टू हूम? इज इट नंबर 4? गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स डिस्काउंट अलाउड. एक्सपेंस इज पेड बाय हूम? यहाँ पे आएगा नहीं आएगा? आएगा. और सब रेंट भी आएगा, सैलरी भी आएगा, स्टेशनरी भी आएगा. बिकॉज हु इज पेइंग द मनी? नेक्स्ट वन, पेटी एक्सपेंसेस पेड बाय हूम? नहीं आएगा. कैश में भी आने की जरूरत नहीं बिकॉज कैश ओपनिंग 800 है, पेटी एक्सपेंसेस 600 है. कहने से 200 का क्लोजिंग आएगा. पर तुम्हें एक कैश ढूंढना पड़ेगा. कैश विच इज सेंड बाय ब्रांच टू हूम? एचओ. उसको इसके साथ मैच नहीं करना. उसमें क्या करना मालूम है? कैश ओपनिंग 0, कैश क्लोजिंग 0. आर यू अंडरस्टैंडिंग? क्योंकि वो 800 में से पेटी एक्सपेंसेस के रहने दो. ओपनिंग कितना था कैश? 800. पेटी एक्सपेंसेस कितना? तो क्लोजिंग कितना? तो तुम्हें यहां पे सिर्फ 800 लिखना और तुम्हें यहां पे सिर्फ
200 लिखना है और बाद में ओपनिंग क्लोजिंग कैश नहीं आएगा, एक कैश का अकाउंट बनाने का और ये ढूंढने का कि हाउ मच ऑफ कैश इज सेंड बैक टू होम एचओ। ट्राई करना, नहीं होगा तो मैं कल सुबह कराऊंगा। डेपरी टू बी प्रोवाइडेड ऑन द ब्रांच फर्नीचर, कितना परसेंट? ये बहुत सिंपल हो गया। हाउ मच इज फर्नीचर ओपनिंग? 3000 का 10%, तो क्लोजिंग बिकॉज इसमें कोई परचेज है ही नहीं बीच में। कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर कितना? कैश सेल्स कितना? क्रेडिट सेल्स कितना? एंड द लास्ट इन्फॉर्मेशन दैट इज गिवन टू इज व्हाट? क्लोजिंग स्टॉक। द ओनली अकाउंट दैट यू विल हैव टू प्रिपेयर ना आई गेस इज द कैश अकाउंट, और कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों इतना भाषण दिया यार, कर लेना तू घर जाके कर लेना। होता है ना कभी कभी थक जाता है ना। अच्छा ब्रांच में क्या हो गया है, फिर से रिवाइज करा दूं? ब्रांच इज डिपेंडेंट ब्रांच एंड ब्रांच इज इंडिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच मतलब अकाउंट्स कौन बनाएगा? एचओ। और कौन से दो टाइप के अकाउंट्स बन सकते हैं? डेटर्स एंड सेकेंड वन इज स्टॉक एंड डेटर्स। नहीं लग रहा है वहां पे पीछे? हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे हम लोग? फर्स्ट वन डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट फॉरेन, फॉरेन भी लिखा है ना कि नहीं लिखा है? हाँ वो कल मालूम मैं दो बोला था फिर तीन हो गए थे। डिपेंडेंट के अंदर दो मेथड है, वी हैव गॉट समथिंग दैट इज नोन एज अ डेटर्स मेथड एंड सेकंड वन इज नोन एज अ स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। डेटर्स मेथड वी प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट दैट इज ब्रांच अकाउंट, वी रिकॉर्ड ओनली थ्री टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन ब्रांच एंड एच ओ, एच ओ एंड ब्रांच एंड ब्रांच एंड अदर्स, नहीं एच ओ एंड अदर्स विथ रेफरेंस टू ब्रांच। वी रिकॉर्ड एट थिंग्स इन टू द अकाउंट दैट इज गुड्स असेट लायबिलिटी, गुड्स गुड्स कैश कैश लायबिलिटी असेट्स। एंड आई गेस वी सॉल्व कपल ऑफ क्वेश्चन, आई गेव यू वन क्वेश्चन एज होमवर्क, यू गॉट द टाइम टू डू इट? वेरी गुड, इफ यू डोंट गेट टाइम टू डू इट यू हैव टू डू इट टुडे, है ना? बिकॉज आई विल स्टार्ट विद अ मेथड नोन एज स्टॉक एंड डेटर्स। चलो टेक योर बुक, राइट डाउन टाइटल पे लिखो स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। Right there, accounts to be prepared. First one, branch stock account. Second, goods sent to branch account. Branch stock account bracket में लिखो at invoice price. Second one कौन सा था? Goods sent to branch. Bracket में लिखो at cost price. ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट, वहां पे लिखो लोडिंग। ब्रांच डेटर्स अकाउंट, ब्रांच कैश अकाउंट,
branch kya expense account branch fixed asset account branch P&L account next title journal entries Now, was I telling you yesterday कि मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है क्यों सब रिकॉर्ड करने का इधर ऐसा दिमाग ही नहीं लगाने का कि ये रिकॉर्ड हो या ये रिकॉर्ड ना हो सब कुछ रिकॉर्ड करने का इसीलिए सब अकाउंट्स बनाया हम लोग ने और रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है भाई एचओ हाँ बट कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्डिंग हो रही है ब्रांच सो फर्स्ट वन ट्रांजेक्शन नंबर वन एचओ सेंड्स गुड्स टू ब्रांच HO sends goods to what? Branch. चलो एंट्री बोलो कुछ भी ना एकदम आराम से क्यों भागता है तुम लोग हाँ है ना बेटा ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट ब्रांच स्टॉक अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच अमाउंट पे लिखोगे IP का मतलब इनवॉइस प्राइस इमीडिएटली नेक्स्ट एंट्री होना चाहिए कि ये जो गुड्स इनवॉइस प्राइस पे गए ना उसका क्या निकालना है हमें लोडिंग तो गुड्स सेंड टू ब्रांच होता ना उसको ऑपोजिट करना होता है उसको क्या करना होता है इसीलिए ना अगर तुम लोग टॉप थ्री अकाउंट्स देखोगे ना फर्स्ट वन इज ब्रांच स्टॉक सेकेंड वन इज गुड्स सेंड टू ब्रांच एंड थर्ड वन इज ब्रांच एडजस्टमेंट मैं एक पेज पे ये तीनों अकाउंट बनाता है और यही तीन बनाता है चौथा पांचवा छठा नहीं बनाता है अभी क्लियर और फिर इधर ना पैरेलल लाइंस ड्रॉ होते हैं कैसे मालूम है तुम लोगों को अभी एचओ ने ब्रांच को गुड्स भेजा तो इज इट ब्रांच स्टॉक टू गुड्स सेंड टू ब्रांच तो दूसरा एंट्री आता है गुड्स सेंड टू ब्रांच एडजस्टमेंट तो ये आईपी ये लोडिंग तो ये अकाउंट किस पे बनेगा मालूम है आईपी ये अकाउंट किस पे आ जाएगा मालूम है कॉस्ट और ये अकाउंट किस पे बनेगा लोडिंग मतलब ब्रांच एडजस्टमेंट प्रॉफिट देता है और गुड्स सेंड टू ब्रांच पे कॉस्टिंग आ जाती है और ब्रांच स्टॉक सब कुछ किस पे रहता है आईपी सो व्हाट आई रिमेंबर इज दैट गुड्स सेंड टू ब्रांच इज ऑलवेज ऑपोजिट्स आर वी क्लियर विद दैट वन चलो तो एंट्री क्या बनेगा अभी तुम्हारा फर्स्ट एंट्री में गुड्स सेंड टू ब्रांच डेबिट हुआ था या क्रेडिट हुआ था तो अभी एंट्री लिखने का गुड्स सेंड टू ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच एडजस्टमेंट क्लियर नेक्स्ट वन मतलब वन एंड दिस वन ट्रांजेक्शन विल हैव टू एंट्रीज सेकेंड ट्रांजेक्शन नंबर टू ब्रांच रिटर्न्स गुड्स टू एचओ Tell me. Goods sent to branch. To what? Branch stock. और एक एंट्री आएगा ना ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स सेंड टू ब्रांच चलो व्हाट इज नेक्स्ट
मुझे बोलना पड़ेगा ना, कैश सेल्स एट ब्रांच, कैश सेल्स एट ब्रांच, आप बोलो, ब्रांच कैश बैंक टू ब्रांच स्टॉक, परफेक्ट. Next one, credit sales at branch. Tell me. Branch debtors to branch stock. Next one. Cash received from debtors. Likho. Cash received from debtors. Bolo entry. Branch cash to branch debtors. Next one, discount allowed to debtors. Branch expense to branch debtors. Next one, bad debts. Entry, branch expense to branch debtors. Do you agree? Next one. Fixed asset. Depreciation. Entry. Branch expense to branch fixed assets. Perfect. Branch expense to branch fixed assets. क्लियर. चलो ऐसे एंट्रीज तो भी बना के सकते हैं बहुत सारी, बट आई गेस यू गाइज आर वेरी गुड एट एंट्री, सो आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है. बट बेसिकली आपको ये फंडा समझ गया कि एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन व्हाट एंट्रीज. कैन आई पिक अप सम क्वेश्चंस ऑन दिस मेथड नाउ? आई एम लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 11, रेड एंड वाइट नाम का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर कौन सा गाइस? 11. चलो फर्स्ट वन, इज इट रेड एंड व्हाइट? Red and White of Mumbai started a branch at Bangalore on 1/4/2012 to which goods were sent at 20% above. Underline the word 20% above cost. Is it 1/5 on cost? Yes.
That is one. One sixth on sales. Branch makes both cash sales and credit sales. Branch expenses are met by branch cash and balance money is remitted to whom? HO. एक दो एंट्री होता है जिसमें ब्रांच इन्वॉल्व नहीं होता है, मतलब दोनों साइड पे. When HO sends cash to branch, जर्नल एंट्री क्या बनेगा? ब्रांच कैश टू कैश. एंड when HO receives cash from branch, कैश टू ब्रांच कैश. और हम कैश बैंक अकाउंट नहीं बनाते बिकॉज वो HO का तो पूरा जंगल होगा ना उसके अंदर. तो अभी यहाँ का स्टोरी समझ गया. ब्रांच विल मेक कैश सेल्स, ब्रांच विल मेक क्रेडिट सेल्स, ब्रांच विल मेक एक्सपेंसेस, और उसके बाद जो पैसा बचेगा वो कहाँ दे देगा? HO. द ब्रांच डज नॉट मेंटेन डबल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड नेसेसरी अकाउंट्स रिलेटिंग टू ब्रांच आर मेंटेन्ड बाय हूम? हेड ऑफिस. फॉलोइंग फर्दर डिटेल्स आर गिवन टू यू. कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड बाय ब्रांच. कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड बाय ब्रांच. अंडरलाइन द वर्ड कॉस्ट. Second, goods received by branch up till 31st of March 2013 at invoice price. Third one, credit sales for the year. Fourth one, closing debtors. Fifth one, bad debts. Cash remitted to HO. Closing cash in hand. Cash remitted by HO to branch. Closing stock. And last one is expenses incurred at branch. Draw up the necessary ledger accounts like branch debtors account, branch stock account, goods sent to branch account, branch cash account, branch expense account and branch adjustment account to ascertain the gross profit, and branch profit and loss account for ascertaining the branch profit. Do you agree with that one? Chalo, can I start with this? Yes, sir. Question number kaun sa hai? 11. Pehla account kaun sa? Branch. Always. Next account kaun sa? Goods sent to branch. Third account कौन सा? Branch adjustment. Got this three? और next page पे आप बाकी सारे accounts बना सकते हो. Now what is the next account? Branch debtor बना देते हैं. Branch cash बना देते हैं. ब्रांच एक्सपेंस बना देते हैं. फिक्स असेट है क्या? तो ब्रांच पीएनएल बना देते हैं. परफेक्ट है. फर्स्ट वन, व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू द ब्रांच? बट 1 lakh इज व्हाट गाइस? कॉस्ट है ये तो उस पर क्या ऐड करना पड़ेगा? लोडिंग. इज इट 1/6? 1/5 ऑन कॉस्ट. ओके, 1 lakh divided by 5, is it 20,000? Yes. So is it 1,20,000 which is a good sent to branch? Yes. Journal entry? Branch stock to good sent to branch. So branch stock mein likhenge it to what? Good sent to branch. Is it 120? Yes. Yahan pe by branch stock. Is it 120? Yes. Immediately iska loading nikalne ka. 2. ब्रांच एडजस्टमेंट इज इट 20? और यहाँ पे लिखेंगे बाय ब्रांच, सॉरी बाय गुड सेंड टू ब्रांच इज इट 20? गॉट इट. बट सेकेंड वन, इमीडिएटली नेक्स्ट लाइन पे क्या लिखा है उन्होंने? हाउ मच इज गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच? 1 lakh. हमने 120 का गुड्स भेजा, उससे सिर्फ 1 lakh 8 का गुड्स मिला. तो कैन आई से 12,000 का गुड्स आर इन ट्रांजेक्ट? जर्नल एंट्री, गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच स्टॉक. तो ब्रांच स्टॉक में क्या लिख देंगे? इमीडिएटली बाय गुड्स इन ट्रांजिट एंड द अमाउंट इज हाउ मच? 12,000. और गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट नहीं बनाया हम लोगों ने. आर वी क्लियर विद दैट वन? नेक्स्ट, व्हाट्स द सेकेंड ट्रांजैक्शन? क्रेडिट सेल्स फॉर द ईयर, जर्नल एंट्री. ब्रांच डेटर्स टू ब्रांच स्टॉक, अमाउंट 116. Yes. By branch debtor. Is it 116? Yes. Next one. Closing debtors. Amount bolo closing debtors ka. Ek minute. Kitna? 41,600.
closing debtors by balance carried down. 41? 600. Now, if I'm reading the first line of the question well, that is what I was reading actually. Did they say that Red and White started the branch at Bangalore? Yes. Underline the word started the branch at Bangalore. If I'm saying started the branch at Bangalore, that means, can I say, you must understand that we don't have something which is known as opening balances. Chalo, what is next? Bad debts, written off. Bad debts, journal entry. Branch expense to branch debtor. To branch debtor. Amount? 400. Branch debtor mein likhenge by branch expense. Amount is 400. Next one? Cash remitted to HO. Cash remitted to HO. Can I say to opening will be nil? Nil. And if I'm not wrong, the question said ki jo bhi paisa aa raha hai debtor se aur cash sales se usme se hum expense karenge aur fir paisa kisko bhejenge? HO ko. Cash remitted to HO kitna bola? 86,000. Journal entry. Cash bank to branch cash. To yahan pe likhenge by cash and bank? Yes. 86? 86. Exact? Yes. Next one. Closing cash. Closing cash is how much? 4,000. So by balance carried down. Is it 4? Yes. Next one. Cash remitted by HO. Cash remitted by HO. Branch cash to cash. Branch cash to cash. Kitna? 6,000. Do you agree? Yes. Next one. Closing stock. Closing stock. Kitna? 12,000 by balance carried down. Is it 12,000? Yes. Immediately iska loading? Yes. Branch adjustment account mein directly. Kaun si account mein? To balance carried down. If I am not wrong, is it 2,000? Yes, sir. 1/6 na? Yes, sir. Next. Expenses incurred at the branch entry. Branch expense to branch cash. To branch cash. Amount? 24. By branch expense. Amount? 24. Got that? Next one. Done? Yes. अब यहाँ से सबसे important क्या होता है मालूम है, वो story याद रखना इस accounts में, because यहाँ पे मैं आपको कोई ऐसा rule नहीं दे सकता हूँ कि पहले आप ये account बंद करें फिर आप वो account बंद करें. वो आपका ना question के साथ common sense चलते रहना चाहिए. And every question will throw up a different thing. Now, here what has it thrown up is, if I'm not wrong, is the cash. They said they received cash from data, they received cash from sales, they make their expenses, and then they send the balance to HO. Now, if you understand, closing balance diya hai, expense unhone kar liya, HO ko cash unhone bhej diya, to unke paas do cash aane wala hai. Cash sales aane wala hai, aur data se paisa aane wala hai. और ये याद रहना चाहिए, वरना लोग है ना ये अकाउंट बंद करने घुसेंगे. अब ये अकाउंट तुम बंद ही नहीं कर पाओगे, बिकॉज कहने से कैश सेल्स मिसिंग है, और इस अकाउंट में अपने को डेफिसिट और सरप्लस आ सकता है, मतलब स्टॉक में. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? सो दिस इज नॉट अ नॉर्मल अकाउंट टू बी क्लोज ऑन. तो ये सब थोड़ा ध्यान में रहना चाहिए था. अब मैं कैश भी बंद नहीं कर पाऊंगा बिकॉज टू अमाउंट्स आर मिसिंग. तो कहना से अभी मेरा ध्यान जाएगा डेटर्स अकाउंट में. डेटर्स का पिलर्स चार, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, रिसीट्स. ओपनिंग है नहीं, इट्स अ न्यू बिजनेस. क्लोजिंग दिया था, कैन आई से सेल्स आ चुका है, तो व्हाट इज द अमाउंट रिसीव्ड? बैलेंस इज द कलेक्शन. तो गाइस 1,16,000, 1,16,000 माइनस 42,000, 74,000. If I am not wrong, can I say this is by branch cash bank? ये account बंद हो गया. This is one. Branch cash bank में लिखेंगे two branch debtor. Is it 74? Yes. Now if I am not wrong, can I say the next amount can be cash sales का amount? Yes. 86 plus 4, 90. Is it 114? कैलसी यूज करो फटाफट. 114 minus is it 34? Is it cash sales? Yes. By, sorry, to branch stock. This is account number 2 to be closed. Branch stock mein jaake likh diya abhi, by branch cash 34.
Do you agree? Branch stock में चीजें याद रखनी चाहिए, opening होना चाहिए, closing होना चाहिए, cash sales होना चाहिए, credit sales होना चाहिए, HO से goods आया होना चाहिए. Opening, closing, goods from HO, goods return to HO, cash sales, credit sales. If I'm not wrong, opening होगा नहीं. Can I see you have already received goods from HO? Return होगा तो ही. Return cannot be a balancing figure. Do already have a closing? I have a cash sale, I also have a. So then this account either should tally, and if this account doesn't tally, then we have a surplus or we have a deficit. And how to treat the deficit and the surplus? Huh? Surplus hoga na, to pura profit branch adjustment mein dal dene ka. Pura profit? Par agar deficit hoga na, to iske invoice price aur cost aur loading ko break karne ka. Cost will go to branch adjustment, or I would say loading would go to branch adjustment and the cost would go to branch P&L. And iska thoda genesis hai na, is there in your process costing actually. Process costing mein kya tha, tumhe abnormal gain, abnormal loss hota tha. So abnormal gain should be valued at cost, sold at cost. Abnormal loss should be valued at scrap value. So, यहाँ पे अगर abnormal gain आता ना तो पूरा profit कहाँ डाल दो, branch adjustment में डाल दो. But अगर abnormal loss आता है ना तो उसे split करो, cost and loading, loading loading account में डाल दो और cost उठा के कहाँ डाल दो, P&L में. That is the thing you have to remember in this part. Are we clear? Yes. चलो अभी तुम जरा देखो, मेरे को तो credit side बहुत ज़्यादा लग रहा है. 116 plus 34, 150, 160, 174 दिख रहा है मुझे. 174 minus 120. 54,000 का बैलेंस. इज इट अकाउंट नंबर 3 टू बी क्लोज्ड? इज इट टू ब्रांच एडजस्टमेंट में डाल दूं सीधा? ब्रांच एडजस्टमेंट में आ जाएगा बाय ब्रांच स्टॉक अमाउंट 54. गॉट इट? गुड, सेंड टू ब्रांच एकदम टाइम पास अकाउंट है, उसका कोई काम नहीं इतना ज्यादा. सो 120 माइनस 20 आंसर कम्स टू व्हाट, 1 lakh, एंड दिस गोज टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट. Not branch trading, it goes to trading account. HO ka. Are we clear with that one? And this actually follows the rule of your final accounts also. If you remember the rules of final accounts, any goods going out of premises apart from sale should always be recorded at cost. So HO is sending goods to the branch. Kaun se price pe record kar diya? Cost. Done? Next one. Branch adjustment. 54 plus 20. Is it 74? 74 minus 2, is it 72? This goes to branch P&L account. This is like a GP to you. Aur kahan chala jayega branch? So branch P&L mein hum log likhenge by branch adjustment and the amount is how much? 72. Next one is expense account. Is it 24,400? Definitely kahan jayega? P&L. 72,000 minus 24,400, 47,600. Yes. Can I say this is nothing but 2 net profit? Yes. Simple? यहाँ पे simple लग रहा है, because that's what I said, my mentality is running with the question. Your mentality has to run with the question. The deadliest part here is you don't have कि ये account पहले बंद करो, फिर ये account बंद करो, फिर ये account बंद करो. आपका वो दिमाग चलना चाहिए कि कौन सा account पहले बंद करे. And safest bet ना debtors से सोचना चालू करो, because debtors का account पता है तुम्हें, opening, closing, sales, receipt. Are you understanding? और फिर उसकी central कहानी याद रखो. Done? Copy करना है ये. गुड्स इन ट्रांजिट भी लोडिंग निकाला है उन लोगों ने अलग से, जरूरत नहीं होना चाहिए, बट निकाला है तो फिर यू कैन डू इट. बट अदरवाइज गुड्स इन ट्रांजिट डायरेक्टली गोज टू द एचओ गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट. आर वी क्लियर विद दैट वन? तो उन्होंने मेरे ख्याल से यहाँ पे लिखा होगा टू गुड्स इन ट्रांजिट 2000. सो आई गेस दे वुड गेट अ बैलेंस ऑफ हाउ मच, 70. बट नहीं करे तो ज्यादा अच्छा. बोलो. हाँ बेटा, बिकॉज ये गुड्स इन ट्रांजिट में अभी खाली ट्रांजिट में ही है ना, वो तो पहुंच जाएगा किसी भी टाइम. सो दैट्स व्हाट दे हैव सेइंग कि प्रॉफिट उसका अलग से निकाल दिया. सो चॉइस इज ओके, नॉट सो डीप इनटू इट.
Done? Can I go ahead? If you're not copying this down, then we'll do one question together. पर एक क्वेश्चन करना तो है ही इस पे. क्या करें, ये कॉपी करना है कि नया क्वेश्चन करना? चलो पिक अप देन. आई एम लुकिंग एट क्वेश्चन नंबर 10 गाइस. कैन आई गो अहेड नाउ गाइस? क्वेश्चन नंबर 10. बातें कम, टाइम कम है अपने पास आज. मेरे को और दो क्वेश्चन करने गाइज इसके बाद. कैन आई स्टार्ट? क्वेश्चन नंबर 10. आर यू ऑल रेडी? कॉन्सेप्ट लिमिटेड नाम का क्वेश्चन है. कॉन्सेप्ट विद हेड ऑफिस एट मुंबई हैज अ ब्रांच एट नागपुर. Goods are invoiced to the branch at cost plus 33 and 1/3%. Underline the word cost plus 33 and 1/3. Is it 1/3 on cost? Will be 1/4 on? The following information is given with respect to branch for the year ended 31st March 2013. Goods sent to branch, stock at invoice price, cash sales, goods returned by customers to the branch, branch expense, branch data, discount, bad debts, collection, branch data's check returned, dishonored. Stock at branch on 31st of March and branch debtors ka balance. Prepare under stock and data system the following ledger accounts in the books of head office. Pehla kaun sa? Branch stock. Second one is branch debtors and last one is branch adjustment. Also compute the shortage of stock at branch if any. In loke jahan se mein nahi aane ka, aisa teen hi account nahi banane ka. Because ye teen banaoge to baad mein malum padega kuch missing hai, dusra banao. To usse acha ki sab kuch banai dalne ka. ऑफकोर्स तुम्हें गुड सेंड टू ब्रांच नहीं बनाना है तो इट्स प्रिटी ओके. बट वैसे वो अकाउंट कहाँ डिस्टर्ब करता है ना. दो ही चीज़ तो लिखने का होता है. सो आई विल प्रिपेयर ब्रांच स्टॉक, गुड सेंड टू ब्रांच, ब्रांच एडजस्टमेंट एट वन पेज, ब्रांच डेटर्स, ब्रांच कैश बैंक, ब्रांच एक्सपेंस, ब्रांच पीएनएल. फिक्स असेट्स बनाने का ज़रूरत है नहीं. कैन वी प्रिपेयर द फॉर्मेट फर्स्ट? चलो. कैन आई स्टार्ट? फर्स्ट वन गाइस, बातें कम. One, goods sent to branch at invoice price. उसके भी पहले can I say we have opening stock? कहाँ पे? To opening. Is it 24? और ये invoice price पे इसका loading कौन से account से निकलेगा? By opening. 1/4 या 1/5? Next one. Goods sent to branch. Is it 24? 2. Goods sent to branch. 480. Goods sent to branch mein buy. Branch stock. Is it 480? और इमीडिएटली ब्रांच गुड्स सेंट टू ब्रांच में क्या? टू ब्रांच एडजस्टमेंट. इज इट 120 बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच? इज इट 120? डन. नेक्स्ट वन कैश सेल्स जर्नल एंट्री. Branch cash to branch stock. Amount? 180. Branch stock में लिखेंगे buy branch cash. 180. Is it done? Next, return of goods by the customer to the branch. Branch stock to branch data. Branch stock to branch data. Branch data's amount kitna? 6,000. By branch stock. What is next now? Branch expense. Branch expense, and they are saying it is paid in?
cash entry. Branch expense to branch cash. Is it two branch cash? Yes. Amount. What, how much guys? 53,500. Got it? Next one. Branch debtors, is it opening balance? Yes. To balance opening. Kitna guys? Haan, bol beta. Cash to maine kahan likh diya? Okay, sorry. By branch expense 53,500. Is it done? Yeah. Next. Discount, is it 1,000? Yeah. If I'm not wrong, is it branch expense to branch data? Yes, sir. 1,000. Branch data mein likhenge by branch expense 1,000. What is next now? Bad debt. Bad debt same, na? Mm-hmm. To branch data. Amount kitna? 1,500. By branch expense, it's 1,500. Collection from debtors is 2,70,000. Journal entry. Branch cash to branch debtors. To branch data. 270? Yes, sir. By branch cash, 270. Branch data's check returned dishonored. Reversal. Entry. Branch data. Branch data's to branch cash? Yes. 5. Branch cash pe likhenge by branch data. 5. 5 na? Yes. Stock. Is it closing stock? How much? 48,000. Aur guys, iska loading kahan se nikaloge? Adjustment account se. To closing. Is it 12,000? Yes. If I'm not wrong, it was 1/4. Chalo, what is next now? Closing balance of debtors. Is it 36,500? By balance 36,500. Now take it slow, don't rush again. You have to think logically, guys. Bolo, pehle kaun sa account band karenge hum log? To debtors mein kya milega aapko? Credit sales. Chalo, band kar do. $6,000, $1,000, $1,500, $2,70,000, $36,500 minus $35,000. Guys, I'm getting an answer of 280. Yes, sir. By branch data, 280. And that is good. Invariably, that's what I said, ki data's account se chalo karoge to thoda hints milega. चलो फिर कौन सा अकाउंट हम लोग बंद कर सकते हैं कैश में क्या आ गया ओपनिंग कैश है नहीं अगर गाइस ओपनिंग नहीं है ना तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि क्लोजिंग भी नहीं होगा बिकॉज़ वो लोग अपने पास रखते ही नहीं है पैसा सो कैन आई से पूरा जो पैसा है वो एचओ के पास चला गया होगा सो आपको सिर्फ बंद ही करना है 180,270 माइनस 53,500 minus 5,000. I'm getting an answer of 391,500. Yeah. By cash and bank likhoge aap wahan pe, haan? This is account number 1 to be closed. This is account number 2 to be closed. Do you agree? Yes. What is next? Branch.
ब्रांच स्टॉक बंद कर दें गाइज. ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक है, गुड्स फ्रॉम एचओ आ गया, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स भी आ गया. तो कहना से अभी जो बैलेंस आएगा वो सरप्लस हो गया, वो डेफिसिट होगा. एंड गाइज इस टाइम मुझे डेफिसिट दिखाई दे रहा है 480, 24 and 6, 110, 280 and 48. आई एम गेटिंग अ डेफिसिट ऑफ ओनली 2000. बट दैट्स व्हाट आई सेड गाइज, डेफिसिट आएगा तो क्या करना पड़ेगा, स्प्लिट पीएनएल और ब्रांच एडजस्टमेंट. गॉट दैट? अच्छा पीएनएल में क्या जाएगा, कॉस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज इट 1500, लोडिंग विल बी 500. तो ब्रांच पीएनएल में लिखोगे टू ब्रांच स्टॉक 1500, ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखोगे टू ब्रांच स्टॉक 500. What is the next account to be closed? Good send to branch बंद कर दो, कोई time pass है वो. Is it 360? कहाँ चला जाएगा? Trading. Can I close adjustment now? 120 plus 6 minus 12,000 minus 500. I'm getting 113,500. Am I correct with this? No? Totaling wrong किया? कैसे है? बराबर है. और कहाँ जाएगा 113,500? PNL by branch adjustment 113,500. निकाला ना बेटा 12,000. क्लोजिंग स्टॉक वॉज 48,000, उसका लोडिंग 12,000. ओके Can I close the expense? 53,500 plus 1,000 plus 1,500. Is it 56,000? Yes. 113,500 minus 56,000 minus 1,500. I'm getting answer of 56,000 of net profit. Check out whether you're getting a net profit of 56,000. कोहली एकदम दुखी हो गया रे अपना, फिर से आउट हो गया आज भी. मैं ही चला जाता है खेलने के लिए, मैं भी अच्छा खेल लेगा उसे. क्या हुआ? तू मत जाना. हाँ मतलब तेरे को ऐसा लगता है तू भी अच्छा खेलता तो. Is it done, guys? कोई doubts? चलो कौन सा section रह गया अभी अपना? नहीं पहले वो थोड़ा dependent भी सिखा दूँ. Independent बहुत easy है वो तो. Guys इसका एक question तुम लोग homework में लिखो. थोड़ा time कम है ना, वरना मैं ये class में कराने वाला था, मैंने लिखा था. Question number 12. नियो, यस नियो. मिला? वो होमवर्क लिखो. इज इट डन? गो टू पेज नंबर 8.6, क्वेश्चन नंबर 5, कानपुर ब्रांच. Question number 5. Mila? Can I start?
Guys, this is the most simplest part of your branch account. Dependent branch or independent branch? Independent. तो कितना अच्छा नाम है, independent है. तो वो ना पहले अपना trading account बनाएगा, PNL account बनाएगा और balance sheet बनाएगा. उसके बाद हमें उसके सारे accounts को incorporate करके अपने books में लाना. अभी exactly clear with that one? अभी incorporation कैसे करेंगे? That's what you have to learn from me. But independent means branch will prepare its own final accounts and then HO will put or pick up entire final accounts and merge with us. Got it? First one. Question number 5. On 31st March 2013, Kanpur branch submits the following trial balance to the head office at Lucknow. Debit balances. Trial balance bola hai. To can I say mein final accounts banana? Ab 11th standard wala question hai. Furniture and equipment kidhar aayega? Asset. डेपरी किधर आएगा? देखा हो गया ना, तुम लोग ने बात कर ली ना टेंथ वाले लोगों की. बेटा ट्रायल बैलेंस है ना, ओनली वन इफेक्ट, इट विल कम टू पीएनएल ऑन द डेबिट साइड. असेट से लेस नहीं करना है. ट्रायल बैलेंस के अंदर डेपरी आ गया मतलब असेट से लेस हो चुका है. करेक्ट. नेक्स्ट वन, सैलरीज कहाँ पे? रेंट कहाँ पे? एडवर्टाइजमेंट, पोस्टेज, सन्ड्री ऑफिस एक्सपेंस, स्टॉक, ट्रेडिंग, गुड्स रिसीव फ्रॉम एचओ, ट्रेडिंग, डेटर्स, असेट, कैश एट बैंक, कैरेज इनवर्ड, क्रेडिट बैलेंस पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, ओनली लायबिलिटी, नो टू इफेक्ट्स. नेक्स्ट वन, गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस, ट्रेडिंग, सेल्स, ट्रेडिंग, एच ओ, लायबिलिटी, एज अ कैपिटल हो गया ये. एडिशनल इंफॉर्मेशन, स्टॉक ऑन 31st March 2013 वॉज वैल्यूड एट हाउ मच? इज इट क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग, क्रेडिट एंड बैलेंस शीट, असेट. ब्रांच, सॉरी, ऑन 29th March 2013 द हेड ऑफिस डिस्पैच गुड्स कॉस्टिंग 10 lakhs टू होम? Branch. Branch did not receive these goods before 1st of April 2013. Can I say this is nothing but goods in transit? Journal entry. Goods in transit to HO. Goods in transit to HO. Next. Hence the figures of goods received from HO does not include these goods. Also, head office has charged the branch 1 lakh for centralized services for which branch has not passed any. मतलब expenses किया है HO ने, और किसको charge किया हम लोग ने? Guys, take it fast, don't make a mess of it. और सब लोग question पे ध्यान दो. मैंने simple बोला उसका मतलब ये नहीं कि आपका ध्यान हट जाए question से. Read the statement once again. Also, head office has charged the branch rupee 1 lakh for centralized services for branch which has not passed the entry. मतलब HO ने expense किया है. किसको charge किया हम लोग ने? और branch ने entry pass नहीं किया. कहने से branch को pass करना चाहिए entry. Expense to HO, अपना खर्चा, और हम लोग को किसको pay करना है? HO को. चलो, next one. You are required to pass a journal entry in the books of branch to make the necessary adjustments. Prepare final accounts in branch including the balance sheet and also pass journal entries in the books of HO to incorporate whole of branch ka trial balance. Ek bar, haan ek hi bar aisa kiya hai, aise tum log bura nahi sochna, main bura aadmi nahi hai. Ek bar wo fashion street gaye the aur fashion street ke paas mein bahut sari export rejected materials bik rahe the. So, what was, I don't remember also what was, it was a college time. But my friend bought some 5 pieces of some product and by cheating he picked up 7 pieces. So, it was not unintentional, it was a cheat only, it was a theft. Bura na ekdam. Par wo leke aaya na, to usko bola ye kyu leke aaya pagal? Chori karne ka to wo chori karne ka tha na. Ek to bichare ne chori kiya. Wo bhi free ka maal. उसमें भी आप उन चॉइस रखेगा कि ये नहीं वो आना चाहिए था. कब सीखेगा तू? मैं सोचा मैं उसको एक जियो का नंबर देगा, मैं
और यूज करना तू, ठीक है? मेरा क्या जाता है? क्वेश्चन नंबर कौन सा? फाइव. ऐसे तुम लोग ने कभी चीटिंग किया नहीं? सब अच्छे लोग हो तुम लोग. हाँ नो, वो थोड़ी बोलने का कोई. हाँ क्या आज? हाँ देखा, शी इज अ गुड गर्ल. अभी एग्जाम दे के आए, एग्जाम में कॉपी करके आए. वो तो अपना बर्थ राइट है, वो बोलने का नहीं. अभी मैं पूछेगा ना, थोड़े लोग ऐसे भी हाथ ऊपर करेंगे जो बोलेंगे मैंने लाइफ में कभी कॉपी नहीं किया. देखने भाई कौन है जिसने लाइफ में कॉपी नहीं किया अभी तक? देखा देख तो कॉपी हुआ ना वो कुछ भी है भाई, कॉपी हुआ कि नहीं वो? अरे वो उधर बैठा ना, एक्चुअली उधर बैठना चाहिए था वो. मैं तो पता नहीं, तुम लोग ही मार देते उसको उधर से. इन बुक्स ऑफ ब्रांच, किसके बुक्स में? जर्नल एंट्रीज पास करने को बोला. डू वी हैव गुड्स इन ट्रांजिट एंड डू वी हैव एन एक्सपेंस? गुड्स इन ट्रांजिट का जर्नल एंट्री 2HO एंड सेकेंड एक्सपेंस 2HO. हाउ मच इज गुड्स इन ट्रांजिट? 10. एक्सपेंस 1. और अभी उन्होंने क्या बोला? ट्रेडिंग PNL एंड बैलेंस शीट. तो ये अपना ट्रेडिंग PNL इधर बन रहा है और यहाँ पे अपना क्या बन जाएगा मालूम है तुम लोग को? बैलेंस शीट. अच्छा, ये फाइनल अकाउंट्स कौन बना रहा है? HO की ब्रांच इंडिपेंडेंट है, सो एवरीथिंग विल बी मेड बाय ब्रांच ओनली. आई विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लाइन. 1. फर्नीचर एंड इक्विपमेंट कितना? 18. आई एम जस्ट राइटिंग अमाउंट्स एंड नो डिटेल्स. हाँ, नेक्स्ट वन डेप्री कितना? 2. नेक्स्ट वन सैलरी कितना? नेक्स्ट 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 स्टेशनरी 3. एक्सपेंस 1. स्टॉक कितना? 60. गुड्स कितना? 288. नेक्स्ट डेटर 20. नेक्स्ट 8. नेक्स्ट कैरिज इनवर्ट ट्रेडिंग या PNL? नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कितना? नेक्स्ट गुड्स कितना? 5. नेक्स्ट कितना? 360. नेक्स्ट कितना? 80. नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक था 62. सो इफ आई एम नॉट रॉन्ग वील हैव स्टॉक एट 62 एंड वील हैव स्टॉक एट 62. डू वी हैव दिस टू एंट्रीज? गुड्स इन ट्रांजिट टू HO. गुड्स इन ट्रांजिट विल बी असेट, डेबिट है ना? गुड्स इन ट्रांजिट कितना? 10. HO में एड गुड्स इन ट्रांजिट 10. एक्सपेंस टू HO? एक्सपेंस 1. टू HO एड द एक्सपेंस 1. पक्का? कैलसी उठाओ. 360 प्लस 62 प्लस 5 माइनस 60 माइनस 288 माइनस 7 72. इज इट अपना GP? 72 माइनस 2 माइनस 25 माइनस 10 माइनस 6 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 24. इज इट नेट प्रॉफिट? HO में ऐड हो जाएगा 24 प्लस 80 प्लस 1 प्लस 3 ऑपोजिट साइड. Does it tally? Yes. Any doubts? ये क्या कर लिया हम लोग ने? पूरा अकाउंट्स बना दिया. किसके बुक्स में? अब HO ये पूरे अकाउंट्स उठाएगा, अपने बुक्स में मर्ज करेगा.
Are we clear with that one? So he'll have to pass entries. Entry 1, entry 2, entry 3, entry 4, entry 5, entry 6, entry 7, entry 8. Should I repeat? Yes. Trading debit, trading credit, GP or GL, PNL debit, PNL credit, NP or NL. Assets, liability. Kitna entry? 8 entries. Trading debit, trading credit, GP. PNL debit, PNL credit, NP. Assets, liability. Aur entries bhi bahut simple hai. Ab main ye likha nahi raha hu ya time pass nahi kar raha hu. I am looking at the accounts. First one, if you are looking at that. Can you see that now? First one, entry number 1, if you are looking at opening stock account debit, ye dikh raha hai aapko first entry, unhone wo 355 kya likha hai, I am not able to sure of, branch trading to, kya iska total kiya unhone, okay, so I am getting it now, is it 355? ऐसे एंट्री नहीं पास करना है, ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच नहीं पास करना है. व्हाट इज द एंट्री यू विल पास? इज यू नो स्टॉक अकाउंट डेबिट, गुड्स एंड गुड्स अकाउंट डेबिट, कैरेज इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू ब्रांच. ब्रांच ये सब डेबिट है ना, इसको डेबिट ही रखना है. अपने बुक्स में भी तो डेबिट आना चाहिए. आर वी क्लियर विद दैट वन? अपने को इसको किसके साथ ऐड करना है मालूम है? अपने स्टॉक के साथ, अपने गुड्स के साथ, अपने कैरेज इनवर्ड के साथ. सो डेबिट विल रिमेन डेबिट ओनली. क्रेडिट किसको कर दोगे? ब्रांच. अच्छा अभी तुम इसका एंट्री बोलो. ब्रांच टू गुड्स टू सेल्स टू स्टॉक. आर वी क्लियर विद दैट वन? अच्छा नेक्स्ट एंट्री जीपी का. सो दैट एंट्री इज ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच पीएनएल. ब्रांच ट्रेडिंग टू ब्रांच पीएनएल. नेक्स्ट एंट्री डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट, सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू ब्रांच. इधर तो कुछ है ही नहीं. आर वी क्लियर विद दैट वन? खाली प्रॉफिट आएगा. हाउ मच इज प्रॉफिट? अच्छा जर्नल एंट्री सुनो. ब्रांच पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल. टू किसका पीएनएल मालूम है? अपना एचओ का. सो ब्रांच पीएनएल को डेबिट कर दिया और अपने पीएनएल में क्रेडिट हो जाएगा. कहने से प्रॉफिट तो अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे आ जाएगा. अच्छा नेक्स्ट एंट्री फर्नीचर अकाउंट डेबिट, डेटर्स अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, गुड्स इन ट्रांजिट अकाउंट डेबिट टू ब्रांच. सारे असेट्स को क्या करना है अपने को? डेबिट. अच्छा और सारी लायबिलिटीज को क्या करना है? देयर इज ओनली वन लायबिलिटी. व्हाट इज दैट? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. सो एंट्री क्या बनेगा? ब्रांच टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. सो हाउ मेनी इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज डू वी हैव? 8 इनकॉर्पोरेशन एंट्रीज. फर्स्ट वन ट्रेडिंग डेबिट के लिए, ट्रेडिंग क्रेडिट के लिए, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, पीएनएल डेबिट के लिए, पीएनएल क्रेडिट के लिए, नेट प्रॉफिट के लिए. पक्का? एनी डाउट्स? वी डोंट हैव अ टाइम टू राइट एनी वे, सोल्यूशन इज देयर विथ यू. कोई डाउट्स? चलो टेक द लास्ट पार्ट राइट नाउ एंड राइट द फॉरेन ब्रांच. कौन सा ब्रांच गाइस? अच्छा नेक्स्ट लाइन पे लिखो. इन केस ऑफ फॉरेन ब्रांच द ब्रांच इज ऑलवेज, द ब्रांच इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट इन नेचर.
The branch is always what? Independent. That is, the branch will prepare its own trading P&L and balance sheet. ब्रैकेट में लिखना और ट्रायल बैलेंस एंड देन एचओ विल इनकॉर्पोरेट द अकाउंट्स एंड एचओ विल इनकॉर्पोरेट द अकाउंट्स on the next paragraph. However, the branch trial balance will be in foreign currency. And therefore, we'll have to convert the trial balance into home currency. Into what? Home currency. Full stop. Next paragraph. This can be done by two ways. Next line. One, integral operations. Second one, non-integral operations. What is the first one, guys? Integral operations. And second one? Non-integral operations. Ek line blank, first one, integral operations. Kaun sa operations bola maine aapko? Integral. Usme likho, first one, fixed assets. Date of purchase, fixed asset के सामने ही लिखना है date of purchase, depreciation, date of purchase, next one expenses. Average rate, incomes, average rate, current assets, closing, current liability. Closing, HO account, actual, goods from HO, actual, balancing figure, foreign exchange fluctuation to P&L. Full stop. Ye kaun sa operations tha? Second, non-integral operations.
First one, kaun sa? Fixed assets. Fixed assets. Closing. Depri. Closing. Next one. Expenses slash income. Average. Next one. Current assets. Current assets slash current liability. Closing. Next one. HO. Actual. Goods. Actual. और क्या रहेगा? Balancing figure. Foreign exchange. Reserve. Balance sheet. Foreign exchange reserve कहाँ जाएगा? Balance sheet. Note, N-O-T-E. Note. If HO sends goods to branch, if HO sends goods to branch, comma, if date of purchase of fixed asset, if date of purchase of fixed assets and its rate is given, then we should assume that it's integral operations. That it's integral operations. Full stop. Another simple term again now. यहाँ पे ब्रांच इंडिपेंडेंट ही होता है और ब्रांच ने अपना पूरा ट्रायल बैलेंस बनाया, बट द प्रॉब्लम इज उसने अपना ट्रायल बैलेंस कैसे बनाया? फॉरेन करेंसी में. हम लोग को वो ट्रायल बैलेंस कन्वर्ट करके होम करेंसी में और फिर फाइनल अकाउंट्स बनाना होगा. अब वो जब ही कन्वर्ट करना होगा ना, तो यू हैव टू क्लासीफाई द ब्रांच बिटवीन नॉन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल. नाउ व्हाट यू मीन बाय नॉन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल इज, यू नो दैट इफ ब्रांच डिपेंड्स अपॉन हेड ऑफिस फॉर इट्स ऑपरेशंस, देन इट इज नोन एज इंटीग्रल. जैसे कि डोमिनोज पिज़्ज़ा, तो अगर आप डोमिनोज पिज़्ज़ा को देखेंगे, डेफिनेटली यू ऑल नो इट्स नॉट एन इंडियन ब्रांड, बट कैन आई से इसका जो बेस है, उसका जो फ्लेवरिंग है, इट्स ऑल यूनिफॉर्म एट एवरीवेयर. दैट मीन्स द ब्रांच डिपेंड्स अपॉन द हेड ऑफिस फॉर इट्स ऑपरेशन एंड हेंस इट शुड बी टर्म्ड एज व्हाट? इंटीग्रल. सेकेंड, वी हैव अ नॉन इंटीग्रल ऑपरेशन ऑल्सो, जहाँ पे ब्रांच को हेड ऑफिस से कोई लेना देना नहीं है, वो अपना धंधा कर रहा है, खाली नाम HO का यूज़ कर रहा है, नाम HO का यूज कर रहा है, दैट विल बी टर्म्ड एज व्हाट? नॉन इंटीग्रल. अभी क्लियर? मैं क्वेश्चन करा रहा हूं तुम्हें एंड बहुत फनी है ये क्वेश्चन. पहले राइट था प्रैक्टिस मैनुअल में, इनको दुख हो रहा था कि वो राइट है, तो इन्होंने रॉन्ग कर दिया और बहुत शान से लिखते भी है एट द एंड ऑफ द क्वेश्चन दैट दे हैव सॉल्व द क्वेश्चन अज्यूमिंग द ब्रांच एज नॉन इंटीग्रल. Branch as non-integral. When branch is receiving goods from HO, you can definitely not say this is a non-integral operation. Non-integral ka matlab kya malum hai? Branch will never receive any goods from HO. Branch will buy its own goods, branch will sell its own goods. But if branch is receiving goods from whom? HO. Then it is an integral operation. Now, we have this apna, wo ice cream पार्लर्स कौन से बहुत फेमस है अपने इधर? नेचुरल्स, द वेरी फेमस. विल यू फाइंड द सेम आइसक्रीम ऑफ नेचुरल्स एट ऑल द ब्रांचेस? बिकॉज ऑल ब्रांचेस डोंट मेक देयर ओन आइसक्रीम, इट्स एन HO व्हिच मेक्स द आइसक्रीम एंड डिलीवर्स टू होम ब्रांच. सो
सो ब्रांच कैन नॉट बी टर्म्ड एज नॉन इंटीग्रल नाउ. नहीं नहीं मैं अपना खुद का काम कर, अरे तू ऐसा कैसा खुद का काम कर रहा है, आई एम सेंडिंग यू द आइसक्रीम ना. तो इट हैज टू बी अज्यूम्ड एज व्हाट, इंटीग्रल. इन लोग ने क्या अज्यूम किया, नॉन इंटीग्रल और सोल्यूशन बनाया. क्यों किया मालूम नहीं पड़ा, बिकॉज बिलीव मी 3-4 साल पहले पीएम में ये क्वेश्चन राइट था, दे हैड सॉल्व द क्वेश्चन अज्यूमिंग इंटीग्रल. पता नहीं बीच में क्या हुआ, नए नए पीएम आने लगे. मैं तो एक बार क्रैश कोर्स में गया, मेरे को लोग बोलते सर आपने रॉन्ग सोल्यूशन बना दिया. मैं देखा अचानक से, मतलब ये क्या हो गया, इतने सालों से पढ़ा रहा है मैं. बाद में नीचे जाके देखा तो उनका नोट, क्या नोट मालूम है, इट इज अज्यूम द ब्रांच इज नॉन इंटीग्रल. सो इफ एच ओ सप्लाईज गुड्स टू ब्रांच, इफ ब्रांच ने फिक्स असेट्स खरीदा है उसका परचेज डेट और परचेज रेट दिया हुआ है, तो हमें ब्रांच को क्या अज्यूम करना है, इंटीग्रल. अच्छा इंटीग्रल और नॉन इंटीग्रल में डिफरेंस क्या है मालूम है, इंटीग्रल में फिक्स असेट जिस दिन परचेज हुए थे वो डेट से ट्रांसलेट होंगे, और नॉन इंटीग्रल में फिक्स असेट क्लोजिंग रेट से ट्रांसफर होंगे. इंटीग्रल में बैलेंसिंग फिगर जो आएगा उसको हम लोग अज्यूम करेंगे फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, और उसको पीएनएल में डाल देंगे इंटीग्रल, बिकॉज अपने पार्ट एंड पार्सल है पीएनएल में डाल दो. बट नॉन इंटीग्रल में उसे हम लोग फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ट्रीट करेंगे, और उसे कहां डालेंगे, बैलेंस शीट में. सो दिस आर द मेजर डिफरेंसेस. आर वी क्लियर विद दैट वन? अच्छा जहां पे एक्चुअल लिखा है उसका मतलब क्या मालूम है, ब्रांच के बुक में एचओ का अकाउंट है तो एचओ के बुक में किसका अकाउंट होगा, ब्रांच, और वो तो रुपी में होगा ना, तो वहां से अमाउंट उठाना. इफ ब्रांच इज सेइंग दे हैव रिसीव्ड गुड्स फ्रॉम एचओ, कैन आई से एचओ इज सेइंग दे हैव सेंट गुड्स टू ब्रांच, और वो भी अपने होम करेंसी में होगा तो वहीं से अमाउंट उठाना. पक्का? हैव अ लुक एट दिस वन क्वेश्चन दैट आई एम शोइंग यू, क्वेश्चन नंबर 20 पेज नंबर 8.36. ओमेगा नाम का क्वेश्चन है, मिला तुम लोग को, मिलना ही चाहिए. हाँ नहीं मिलेगा तो कहाँ जाओगे. कैन आई स्टार्ट फर्स्ट? ओमेगा इज अ ब्रांच एट वॉशिंगटन, इट्स ट्रायल बैलेंस ऑन 30th September. वी आर प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर स्टॉक परचेज सेल्स गुड्स फ्रॉम होम. नाउ दिस इज वन हिंट दैट इट इज इंटीग्रल. नेक्स्ट वन, वेजेस कैरेज इनवर्ड सैलरी रेंट एंड टैक्सेस इंश्योरेंस ट्रेड एक्सपेंसेस एचओ ट्रेड डेटा कैश एट बैंक एंड कैश इन हैंड. द फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन इज गिवन. वेजेस आउटस्टैंडिंग टू इफेक्ट्स, एड टू वेजेस एंड बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी. डेप्रिशिएट प्लांट एंड मशीनरी एंड फर्नीचर एंड फिक्स्चर बाय 10%. टू इफेक्ट्स, लेस फ्रॉम असेट पीएनएल डेबिट. हेड ऑफिस सेंड्स गुड्स टू ब्रांच एट 39.40. इज इट एक्चुअल? एचओ शोज 43. इज इट एक्चुअल? Stock, is it closing stock? There were no in-transit items between the start and at the end of the year. On 1st of September 2010, when fixed assets were purchased, the exchange rate was how much? Have they given you fixed asset ka purchase date ka rate? This is another hint that branch should be considered as what? Integral. October, is it opening rate? Yes. September, is it closing rate? An average rate is also given to us. You are required to prepare trial balance incorporating adjustments given 1 to 4. Converting dollar into what? Rupee. Underline the word incorporating adjustment 1 to 4. मतलब ये लोग आपको बोल रहा है कि आप adjustment number 1, 2, 3, 4 भी complete कर दो. Trial balance के अंदर ही complete कर दो. और उसके बाद आप final accounts बनाओ. Question number कौन सा है? 20. मेरे book में है 20 है. और क्वेश्चन का नाम है ओमेगा, और मैं इसको तुम्हारे सोल्यूशन की तरह नॉन इंटीग्रल ट्रीट नहीं करेगा, बिकॉज मैं नहीं कर सकता उसको नॉन इंटीग्रल ट्रीट. क्या ट्रीट करेगा? और मेरे को बकवास क्वेश्चन नहीं पूछने का कि हम लोग को एग्जाम में क्या करने का. तुमको मेरा सोल्यूशन अच्छा नहीं लगता तो अपने आप का काम करना, पर गारंटी नहीं है कि राइट मिलेगा. समझा? अभी इधर मैंने 5 कॉलम बनाए. कितने? 5. डेबिट क्रेडिट रेट डेबिट क्रेडिट रुपी डॉलर. गॉट दैट? फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? प्लांट एंड मशीनरी. डिड दे टेल यू कि एडजस्टमेंट 1, 2, 3, 4 कर लो? प्लांट.
1,20,000 था, कितना परसेंट डेप्री? 10%. 10% इज इट 1,08,000? और उसका डेप्री आ जाएगा 12. इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट करना. लेस फ्रॉम असेट कर दिया और डेप्री लिख दिया, कहना से ये पीएनएल में चला जाएगा ऑटोमेटिकली. नेक्स्ट फर्नीचर इज इट 7,200 एंड डेप्री 800. नेक्स्ट वन ओपनिंग स्टॉक कितना, और एक कौन सा एडजस्टमेंट था, डेप्रीशिएट हो गया, वेजेस आउटस्टैंडिंग है वो याद रखना, और वो तो एक्चुअल एक्चुअली है ना. नेक्स्ट वन हाउ मच इज परचेज 240. नेक्स्ट सेल्स 16. नेक्स्ट वन गुड्स कितना 80,000. नेक्स्ट वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस करना है, हाउ मच आर वेजेस 2000 प्लस एड आउटस्टैंडिंग इज इट 3, और उसी के नीचे के लाइन पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस इज इट 1. समझ रहे कैसे किया एडजस्टमेंट. नेक्स्ट वन कितना, नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट कितना, नेक्स्ट वन कितना, नेक्स्ट ट्रेड एक्सपेंसेस कितना, नेक्स्ट वन एच ओ कितना, 114 क्रेडिट होगा. नेक्स्ट वन डेटर 24. नेक्स्ट वन क्रेडिटर 17. नेक्स्ट वन कितना, नेक्स्ट वन कैश वापस, ये बैंक था कितना. नेक्स्ट बस डू यू अग्री विद दैट वन. क्लोजिंग स्टॉक एडजस्टमेंट नंबर 1, 2, 3, 4 तो नहीं था, 5 था ना. क्लोजिंग स्टॉक $52,000 दिया. एनीवेज क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट क्लोजिंग रेट, पर यहाँ पे आएगा ही नहीं वो. चलो अभी रेट्स बोलोगे, प्लांट का कौन सा रेट क्लोजिंग बोलो. इंटीग्रल बोला है कि नॉन इंटीग्रल बोला है, परचेज रेट आना चाहिए 38, डेप्री 38, ये 38, ये भी 38. ओपनिंग स्टॉक कौन सा रेट, रेट बोलो. नहीं ऐसा नहीं, मैं सब कर लेगा, मेरे को सारा रेट याद है, मुझे ओपनिंग एक्चुअल क्लोजिंग ये सब चाहिए. बोलो इज इट 39, परचेज इज इट 40, सेल्स इज इट 40, गुड्स एक्चुअल. तो एडजस्टमेंट नंबर 3 पिक करो. 39 लाख समझा. नेक्स्ट वन वेजेस एवरेज कितना, 40. आउटस्टैंडिंग वेजेस बोलो क्लोजिंग 41 है ना. नेक्स्ट वन कैरेज इनवर्ड 40, सैलरी फटाफट 40, रेंट 40, इंश्योरेंस 40, ट्रेड एक्सपेंसेस एवरेज 40, एचओ एक्चुअल अमाउंट उठाओ 43 लाख. समझा. नेक्स्ट वन डेटर 41, क्रेडिटर 41, कैश एट बैंक 41, कैश 41. आर यू अंडरस्टैंडिंग. इसको इंटीग्रल ट्रीट किया कि नॉन इंटीग्रल ट्रीट किया. अब यहाँ पे तुम्हारे पास बैलेंस आएगा और इस बैलेंस को तुम लोग क्या ट्रीट करेगा, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन. क्या ट्रीट करोगे और कहाँ पे ट्रांसफर कर दोगे, पीएनएल पक्का. और यहाँ पे जो अमाउंट्स आएंगे इस अमाउंट्स को उठा के तुम्हें कहाँ लेके जाना है, बैलेंस शीट में. चलो आप पोस्टिंग बताओ, प्लांट कहाँ पे, डेप्री, फर्नीचर डेप्री, ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल्स गुड्स वेजेस आउटस्टैंडिंग वेजेस लायबिलिटी कैरेज इनवर्ड सैलरी रेंट इंश्योरेंस ट्रेड एक्सपेंसेस. पीएनएल में डाल दो और बच्चों जैसा टेंशन नहीं लेना ट्रेडिंग पीएनएल, ठीक है.
हाँ, उसके बाद आता है HO, लायबिलिटी, डेटर, क्रेडिटर, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन, PNL. I seriously don't know why they have treated this question as not. I seriously don't know. Are you clear? Any doubts? I don't have too much of time now. Should I leave you? Take a break because you have a lot of AS to do. Perfect, eh? I'll give you my numbers. मेरे को दो तीन लोगों ने doubt पूछने की कोशिश की थी, पर वो कोशिश ही रह गई थी. है ना? नाइन एट डबल थ्री टू सेवन डबल थ्री सिक्स थ्री. ऐसा तुम लोग फोन करेगा तो मैं उठाएगा नहीं, और मैसेज रख देने का कि तुम्हें डाउट है तो मैं कॉल करेगा. व्हाट्सएप अलाउड है? व्हाट्सएप पे ना क्वेश्चन का फोटोग्राफ लेके डाल नहीं देने का मेरे को, सॉल्व करके दो. अरे करता है तुम लोग यार, मतलब तुम्हारे लाइफ में ऐसा होता है कि मेरे पास और कोई काम धंधा ही नहीं है, मैं एकदम वेला बैठा हूँ, तुम लोग फोटो भेजोगे, मैं ऐसा पढ़ेगा वो फोटो देख देख के सॉल्यूशन बनाएगा. आर वी क्लियर? यू कैन गेट इन टच विद मी इन योर फेसबुक ऑल्सो, बट आई हैव लॉट ऑफ अकाउंट्स इन फेसबुक, सो देर आर सम अकाउंट्स विच आर ऑलरेडी फुल, सो यू शुड टेक दिस नेम राहुल मलकान, एक स्पेस है उसके बाद आर एम है, तो वो अकाउंट खाली पड़ा अभी फिलहाल, उसको भी भर देता है. आर वी क्लियर विद दैट वन? उन लोग ने रेस्ट्रिक्शंस रखा है ना, दे हैव लाइक सम 5000 और समथिंग लाइक दैट. सो वी पहले राहुल मलकान बनाया, फिर राहुल मलकान वन बनाया, फिर वो नंबर ऐसे आ रहा था ऐसे मूवी जैसा लग रहा था, मैं राहुल मलकान आर एम बनाया अभी. आई होप यू ऑल एन्जॉयड दिस 5 years विद 5 years, सॉरी 5 days. 5 days आर लाइक 5 years, पूरे दिन इधर ही तो थे हम लोग. करेक्ट है? आई एम फ्री नेक्स्ट वीक, आई विल बी हियर लॉट ऑफ टाइम्स एक्चुअली, सो इन केस इफ यू वॉन्ट टू मीट मी यू कैन कम टू अंधेरी ओनली. आर वी क्लियर विद दैट वन? बट यू नीड टू गिव मी प्रायर इन्फॉर्मेशन कि तुम्हें बहुत सारे डाउट्स है, छोटू मोटू डाउट के लिए मैं यहाँ तक नहीं आएगा. करेक्ट है? ये क्रैश डिज़ाइन इसीलिए होता है और आपके डाउट्स में इसीलिए शायद आंसर नहीं कर पाया, बिकॉज आपको पता है टाइम लिमिट शॉर्ट होता है. एंड वट इज आर इंटेंशन इज नॉट टू गिव यू 6 days और 7 days, नॉट नो इंटेंशन टू डू इट सो क्विक, बट इंटेंशन इज दैट इन द मोस्ट क्विकेस्ट ऑफ टाइम वी शुड डू मैक्सिमम, बिकॉज फॉर यू ऑल्सो इट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम कमिंग एंड ट्रेवलिंग ऑल द डेज ना. So the idea is giving you 70% of your PM in this 5 days short duration. But iske baad agar aapko koi doubts ho, to please you can. But PM pura karna hai. Pura. Are we exactly clear with that one? Aap iske pehle aur koi books uthao, nahi uthao, wo mujhe nahi pata. But you should complete full PM. Because remember my words guys, examination koi classes conduct nahi karte. Examinations are conducted by whom? ICI. I try to make things simple, try to give you some steps. I hope you will implement all. Get the exemption. I'll not be happy if you get clear and tell me main pass ho gayi aapke wajah se. I don't care for that. I care that you should get and you should clear your group too. Hai na? CA final mein bhi bacche log ko main yahi bolta hai. CA final mein group 1 mein 4 paper hota hai. Out of that 2 is mine. Then people do write message कि आपके वजह से मैं पास हो गया. अभी पास होके क्या किया? ग्रुप वन पास हुआ क्या? नहीं. तो क्या सेंस बना? आइधर आप पूरा ग्रुप टू पास करो या तो फिर आप एग्जामिशन लेके आओ ताकि आपको इस पेपर को वापस हाथ नहीं लगाना पड़े. तो मज़े है ना? सो वर्क हार्ड एंड गॉड ब्लेस यू ऑल. इन फैक्ट आई गेस यू शुड बिकम ग्रुप टू क्लियर ना एकदम. दैट्स वॉट आई विश फॉर एंड आई विल प्रे ऑल्सो.